वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी मेरा परंपर विद्यार्थियों शेयर करेंगे एक बार एक बार कर देंगे शेयर चलो भाई आवाज वगैरह सब मस्त है एकदम बेहतरीन सो so, अगर आप लोग अभी भी देर कर रहे हैं मत करिए क्यों सर आज अट्ठारह तारीख है सर तो एटीन है आज और आज ही बैच भी लॉन्च हो गई है <coughs> उड़ान बैच का सेकंड जो पार्ट है वो आगाज की तरफ है बुनियाद का भी सेकंड पार्ट आगाज की तरफ है तो अगर हम बात करें दोस्त की टीम मेंबर्स की तो ये सारे के सारे टीम मेंबर्स आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इसके बाद अगर मैं सोचूं कि सर जो हमारा यहाँ पर ये जो ऑफर है अगर इसके वैलिडिटी की बात करें दोस्त तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इस स्लाइड पे सीधे पहुँच गया क्योंकि 18 जनवरी जनवरी 18 इसका लास्ट डे है मतलब कि आज ही तो आप लोगों को ये कोड जो है इस्तेमाल कर लेना है गेट अकेडमी वन 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 तो जी ए वन 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 इस कोड को आप कर लेंगे यूज़ ठीक है तो जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे आप सीधे सीधे एनरोल कर लेंगे ठीक है तो इस कोड को आप यूज़ कर लेंगे और चाहे आप प्लस प्लस लेना चाहते हो या फिर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो दोनों का जो बेसिक अंतर है वो मैं काफ़ी सारे वीडियोस में हम मैंने आपको बताया है हर एक फैकल्टीज़ काफ़ी सारे वीडियो में इसके बारे में बताते हैं बट यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यहाँ पर थर्टी आपको ऑफ मिलने वाला है जिसकी लास्ट डेट है आज यानी कि एटीनथ ऑफ जनवरी ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मॉक टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने हमारी जो मेरी जो क्लास थी कौन सी क्लास थी सर जो क्लास थी दैट इज स्पेशल क्लास आज सुबह अटेंड करिए क्या बोल रहा है भाई आशुतोष तुम तो ऑलरेडी स्टूडेंट हो यार आशुतोष आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के देन फिर क्यों और दूसरा क्यों ज्वाइन करोगे ऑलरेडी तो आप आई थिंक सब्सक्राइबर हो मेरे को ऐसा याद आ रहा है अगर नहीं है तो बिल्कुल आप कर सकते हो दोस्त है ना और जो भी आपको सुटेबल लगे उस बैच में आप दोस्त ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर बता दो 22 तारीख को यानी कि ट्वेंटी सेकेंड को ट्वेंटी सेकेंड को यानी कि 22 तारीख को आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दे दीजिएगा क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट कायदे से नहीं बोलूँगा इसको मैं इसको मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट हालांकि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है बट मैं इसको क्या बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा मॉक टेस्ट ठीक है तो आप जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं चार दिन के बाद में मॉक टेस्ट होने वाला है मॉक टेस्ट ज़रूर आप लिखेगा ठीक है मॉक टेस्ट ज़रूर आप लिखिएगा चलिए मैं बता दूं ये कोड आपको इस्तेमाल कर लेना है अगर अपन इस कोड की बात करते हैं तो कोड आप इस्तेमाल कर लेंगे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सेस मिल जाता है जितने भी पीडीएफ होते हैं जितने भी हैंड होते हैं जितने भी नोट्स होते हैं सेकेंड अगर मैं डाउट क्लियरेंस की बात करता हूँ तो जो भी डाउट क्लियरेंस वाला पार्ट रहता है उसमें आप जो है जुड़ जाते हैं थर्ड अगर वन टू वन की मैं बात करूं तो वन टू वन ऑन कॉल डाउट क्लियरिंग आपको मिल जाता है फोर्थ अगर मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करूं तो डी आपको मिल जाती हैं फिफ्थ बहुत सारी चीज़ें मैनी मोर है ना जो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं बट जैसे ही आप ये कोड लगा के अनलॉक कर लेते हो अपना सब्सक्रिप्शन वो चीज़ें भी आपको अनलॉक हो जाती हैं क्योंकि क्या होता है कि जब भी कभी भी याद रखिएगा अगर आपको कम बताकर ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अद्भुत टाइप का हमको फील होता है तो हमारा अनएकेडमी में जो ये गेट एकेडमी का कोड है इसमें हमारी टीम से हमने यही कहा है कि ज़्यादा बता करके आप कम दीजिए नहीं सर कम बता करके आप ज़्यादा दीजिए तो मुद्दे की बात पे यही आते हैं कभी भी मैं ऐसे ज़्यादा चीज़ें बताऊं और फिर उनमें से आपको कम चीज़ें मिले तो आपको भी लगेगा सर ये सर आपने वो चीज मिस कर दी आपने ये पॉइंट मिस कर दिया ये आपने वो पॉइंट मिस कर दिया तो जितने भी मैंने बेनिफिट्स यहां पर लिखे थे उन सब के अलावा भी और भी काफी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तो याद रखिएगा इस चीज़ को कभी भी ज्यादा बताकर कम नहीं दिया जाएगा हमेशा कम बताया जाएगा बट ज्यादा दिया जाएगा इसी पे ही हम फोकस करते हैं ठीक है चलिए मेरे परमपर विद्यार्थियों पहला जो सवाल है इस सवाल के बारे में बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि ये वाला सेशन आप शेयर कर दें ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह सेशन आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो यहां पर ये एम एस क्यू वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है तो अगर एप्टीट्यूड में एम एस क्यू पूछे कभी ठीक है तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा चलिए मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी इस सेशन को शेयर करूं तो मैं भी एक काम करता हूं कि इस वाले सेशन को थोड़ा सा मैं भी बूस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये ऐसा पर्सनली फ़ील किया है कि जब मैं शेयर करता हूँ ना अपने टेलीग्राम वगैरह पे तो वहाँ पर लोग जो हैं देखते हैं और बोलते हैं कि अरे सर आपका सेशन स्टार्ट हो गया क्या क्योंकि काफ़ी सारी बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मली ऐसा देखा गया ऐसा पाया गया कि सेशन शेयर होने के बाद फिर बच्चे जुड़ना स्टार्ट करते हैं बाकी तो ऐसा क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी होता है ना कि यूट्यूब पर कोई थोड़ी दिन भर मोबाइल से यूट्यूब ओपन करके बैठेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम शेयर कर दें ठीक है तो चलिए हमने शेयर कर दिया आप लोग भी शेयर कर दें ये लीजिए चलिए तो पहला जो प्रश्न है इस पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कोई लोग बोल रहे हैं गुरुजी बी होगा कोई लोग बोल रहे हैं गुरुजी सी होगा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा यहां पर ये एमएसक्यू लिखा हुआ है तो जब एमएसक्यू लिखा हुआ है इसका मतलब इसके दो आंसर होने वाले तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए बात करेंगे तो अगर जब भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा फिर एक और क्वेश्चन मैं दूंगा उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे ठीक है ना दो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं इसी पे तो हमारा जो मेन फंड है वो ये है कि अगर मेरे पास यहां पर ट्वेल्व लिखा हुआ है तो मुझे ये देखना होगा कि किन टू कंजीक्यूटिव नंबर्स का ये मल्टीप्लाई है ठीक है तो मैं हमेशा से टॉपिक पढ़ाया पढ़ाएंगा और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है तो टू अगर मैं देखू तो थ्री क्रॉस फोर यानी कि थ्री इंटू फोर का ये मल्टीप्लाई होकर ट्वेल्व आएगा तो अगर मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है सुन लो भाई अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आप बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे इसका मतलब फोर आंसर होगा और अगर यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है अगर यहाँ पर निगेटिव लिखा है तो तुम छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे इसका मतलब तुम्हारा आंसर थ्री हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर फोर भी एब्सोल्युटली करेक्ट है और तुम्हारा आंसर थ्री भी एब्सोल्युटली करेक्ट है तो ये एक सवाल था जो मैंने एमएसक्यू में लिया हुआ था जिस सवाल को अपने सॉल्व आपने कर लिया चलिए ठीक है अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहां पर ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ठीक है प्लस ये ऐसा करते करते इंफानेट तक दिया हुआ है इतने सारे एक्स 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 लगे हुए और प्लस ये बोल रहा हूं तो हम को बोल कि आपको बताने है कि Y2 की वाई टू की वैल्यू क्या है सभी लोग ऑडियो एकदम क्लियर है ना ठीक है सभी लोग ऑडियो एकदम क्लियर है तो यहां पर मुझे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है सर वाई टू की वैल्यू बताइए तो तो कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं अब इसी क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन मिक्स कर दे रहा हूं कि यहां पर यहां पर आराम से देखते रहिएगा प्लीज ठीक है यहां पर हमको बोल रहे फॉर अ नंबर एफ यूनिट डिजिट फॉर नंबर एफ यूनिट डिजिट अगर मेरे पास यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट है आज की तारीख कितनी सर अठारह है ना अठारह उन्नीस ठीक है वाई अठारह उन्नीस वाई और वाई में भी ना इस बार मैं टू यूज़ नहीं करता वाई में भी इस बार मैं टू यूज़ नहीं कर रहा ठीक है ठीक बात है वाई में क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ सिक्स ठीक है वाई सिक्स मतलब एक्स की वैल्यू सिक्स पे वाई की वैल्यू और इसका पावर मैं लिख देता हूँ एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू ये आपके पास लिखा हुआ है बोल रहा है देन यूनिट डिजिट वैल्यू इज ब्लैंक सो वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले यहां पर हमारे पास दो सवाल है दोनों सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले वन बाय वन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तेजा बोल रहे है सर आंसर फोर है देखते हैं मेरे भाई आंसर क्या है वाई टू की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं अब यहां पर ध्यान से देखेगा सारे बच्चे प्लीज ठीक है पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर वन है एंड ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर टू और इसी का ही पार्ट मान लो ये पार्ट ए है ठीक है और ये इसी का पार्ट है बी अब आराम से देखिएगा पहला पार्ट एक्स के साथ में ऐसा लिखा हो तो आपको मैं बोला था कि भैया आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर पुट कर दे तो वाई इज इकल टू तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू प्लस रूट के अंदर टू प्लस रूट के अंदर टू प्लस रूट के अंदर टू और अगर मैं टू को बोलूं कि दो कंजिक्यूटिव है तो दो कंजीक्यूटिव क्या है सर ये वन इंटू टू है बोलो हाँ या ना सही बात है कि नहीं है अगर ये वन इंटू टू है मेरे भाई अगर ये वन इंटू टू है तो यहाँ पर प्लस लिखा है इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा तो बड़ा वाला वैल्यू जो है वो बड़ा वैल्यू टू है भैया मेरे अगर ये पूरे का पूरा का वैल्यू जो है अगर टू आया तो वाई का वैल्यू क्या आया गुरु जी फोर क्या बोलती जनता सत्य वचन यस और नोट ये लो तो जो भी बोल रहा है पहले का वैल्यू चार है तेजा बोल रहा है छ क्या बात है तेजा फुल एक्टिवेटेड मोड में है ना तेजा फुल एक्टिवेटेड मोड में है तो इसका ये क्लियर हुआ एक बार यस बोल दीजिएगा सारे लोग पहला सवाल आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है और जो मेरी आज स्पेशल क्लास अटेंड किया उसका और एक बार भी हो जाएगा क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड अभी भी कुछ मैथ्स के मैथन लीन जब सबके मिक्स क्वेश्चन रखा हुआ हूं ये क्लियर है बोलो हा या ना अरे बोलो भाई है ना बैकग्राउंड में आवाज आ रही है भाई है ना किसी का शादी उदी हो रहा है चलिए तो जो बावन लोग देख रहे हो और लाइक का बटन जो कितना दबा है ये देखते हैं अटेंडेंस कितने लोग लगाए सत्ताईस बहुत गलत बात है जी बावन लोग देख रहा है सत्ताईस लाइक का बटन दबा है अभी इससे बड़ा ना नाइंसाफी क्या होगा जी हैं बहुत गलत बात है जी भैया है एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया चलो सुंदर सुंदर लोग हो आप लोग काहे बटन नहीं दबा रहे है? हमको समझ नहीं आ रहा लाइक के बटन पर चढ़ जाइए जी ठीक है चलिए अब दूसरा सवाल देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है अ नंबर इफ़ यूनिट डिजिट वैल्यू ये वाई सिक्स दिया हुआ है इसका मतलब क्या है पहले कहानी समझते हैं जी ठीक है अब यहाँ पर यदि एक्स का वैल्यू अपन जो है सिक्स सेलेक्ट करिएगा ये ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी है ना भाई अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और एक्स का वैल्यू हम सेलेक्ट करें तो वाई बराबर क्या आएगा देखिए वाई बराबर आ जाएगा छः प्लस रूट का अंदर छः प्लस रूट के अंदर छः आने दीजिए आ गया सर अब ध्यान से देखिएगा कभी भी ऐसा रूट रूट, रूट 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 वाला सवाल हो हम लोग सीधे सीधे उठा करके टू कंसेक्यूटिव नंबर देख लेंगे ठीक है अब दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है भैया अगर छः को आप देखेगा तो, ये तो वाई तो छह कि छः है ये जो छ आया ये छ कैसा छः है सर दो गुणा तीन है जी अभी अगर दो गुणा तीन है अब सीधा सीधा दिमाग लगाइए अब यदि ये, ये दो गुणा तीन है और वन तो तु, तु, तुम ऐड करिए इसमें वन ऐड करिए अब याद रख लीजिएगा इस चीज को ये का सवाल जो था पहले वाले का बी था जो सवाल था वो पहले वाले का बी था समझ में आया गेम अब देखिए ध्यान से पहले तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये प्लस के कारण क्या सिलेक्ट हुआ तीन और छह और तीन कितना होगा नौ तो वाई का वैल्यू क्या आ गया जी नौ तो ये जो वाई सिक्स है इसका वैल्यू नाइन आया समझे कि नहीं समझे अब ये जो है मीटे का भी नहीं चलो कोई बात नहीं ये लो तो वाई सिक्स का वैल्यू जो है भैया वाई छ का वैल्यू जो है वो और यहां पर छीन नाइन आया करेक्ट है तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू नाइन आई और नाइन का पावर कितना आ रहा है जी हा नाइन का पावर आ रहा ये पूरा यहां पर यहां पर दिया हुआ है हमको इवन वैल्यू और नाइन का पावर इवन डालिएगा नौ का स्क्वायर माने की इक्यासी तो यूनिट डिजिट वैल्यू वन आ जाएगा जी विवेक वर्मा कह रहे हैं वन बहुत सुंदर कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है मैं पूरा क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करता हूं नहीं आशुतोष शॉर्टकट मारेंगे काहे जबरदस्ती दिमाग लगाओगे ध्यान रखिए इस चीज को वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर मेरे को ये बताइए सभी का वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है और लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो बटन दबाओ तत्काल सेवा योजना का अंतर लाइक का बटन मुझको बहुत दिक्कत होता है कि पचास अगर देख रहे हैं सत्तर अगर देख रहे हैं और चालीस पचास लाइक है गलत बात है ये सरासर नाइन है एकदम क्लियर हुआ ये कह दीजिए एकदम क्लियर है कि नहीं है एकदम क्लियर है कि नहीं है पक्की बात है कि नहीं है ठीक है चलिए बहुत सुंदर अब इसके हटा देते हैं भाई है ना चलिए अब यदि एक और सवाल इसी के बीच में लिया जाए और ए एन को मैं ऐसा कह दूं ए एन बराबर एक बटा एन ध्यान से देखते हैं चलिए इसको मैं एक वैल्यू ले रहा हूं सम इज इक्वल टू वन अपॉन अपन इंटू ठीक है टू दो कंजीक्यूटिव नंबर ले लिया वन अपॉन टू इंटू थ्री वन अपॉन थ्री इंटू फोर ठीक है ये आते जा रहा है जी आते जा रहा है आते जा रहे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा वन अपॉन अब मान लीजिए बहुत दूर तक गया और ये आ गया बीस गुणा इक्कीस कैसे सॉल्व करिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यस भाई राधे अनएकेडमी पर ही स्पेशल क्लास होती है तो अनकेडमी पर आपको क्या करना है जैसे ही आप अन एकेडमी में जाएं आप पहुंच जाइए कहां पर जी हमारा नाम लिखिए गुरुपाल एस आई एन जी एच लगा दीजिए सरनेम लिख लीजिए ये लिखने के बाद क्या करिए ईमानदारी के साथ फॉलो का बटन दबा दीजिए और ये पूरा कार्यक्रम करने के बाद में हमारी कम्युनिटी वम्युनिटी में जाइए लाइक लुइक कर दीजिए सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे ठीक है आंसर क्या आएगा दीक्षित चावला सर आपकी कौन सी वीडियो है जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई पूरा देखना पड़ेगा एक वीडियो से नहीं होगा दोस्त है ना अगर कोई कहता है कि एक वीडियो में पूरा पढ़ा दूं तो वो सिर्फ एक छल मात्र है उसे एक छल मात्र कहा जाएगा ठीक है ऐसा कोई तुमको टॉनिक नहीं दिया जा सकता कि एक चम्मच पिला दिया और तुम दौड़े एकदम पागल टाइप नहीं कर सकते ऐसा ठीक है बीस बटा इक्कीस बोल रहा है एक भाई मेरा आप ध्यान से समझिएगा इसको ये दोनों स्प्लिट हो जाएगा आपस में ठीक है इसको लिखा जा सकता है वन तो काले कलर से कैसा लिखेंगे वन बाय वन माइनस वन बाय टू ध्यान से देखो यही आया प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर प्लस प्लस वन बाय ट्वेंटी माइनस वन बाय ट्वेंटी वन ये आएगा जी ठीक है याद रखिएगा कभी भी इस टाइप का होता है ये पहला और आखिरी वाले को छोड़ करके पूरा समर्पित भाव से क्या हो जाता है जी स्वाहा क्या हो जाएगा ये स्वाहा क्या बचा वन माइनस एक बटा इक्कीस तो जो आंसर आया था वही तुम्हारा आंसर होगा बीस बटा इक्कीस कितने लोग का ये आ रहा है बहुत सही इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर डबल देखो सीधा से याद रखिएगा अगर कंजीक्यूटिव है अगर ये कंजीक्यूटिव है तो ये सीधा स्प्लिट हो जाएगा देखो यहां पर भी कंजिक्यूटिव का फायदा मिला तीन गुणा चार किया यहां पर भी कंजीक्यूटिव है इधर भी कंजीक्यूटिव अगर मान लीजिए ये कंजीक्यूटिव की जगह पर कुछ ज्यादा कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है तरुण ठाकुर गुरु जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया तहे दिल से लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ लाइक किए हो जी ठीक है तो ये इस टाइप का सवाल जो है आसानी के साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर मैं कहूँ कुछ और सॉल्व करें चलिए ध्यान से देखते हैं अब मान लीजिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया अब ये सम वाला आया था तो सोचिए चलो समय सम करा दें हाँ भाई अगर मान लीजिए वन अपॉन ठीक है ना जी और यहाँ लिखा है वन गुणा तीन प्लस वन बटा तीन गुणा पांच और प्लस वन अपॉन पांच गुणा सात और ऐसा करके अनंत काल तक ये चर्चा चल रही है और लास्ट में लिखा हुआ है जी जो है एक तीन पांच सात ये पूरा चल रहा है तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास जो है मान लीजिए कि जो है अगर हम बात करें तो पच्चीस पकड़ लेते पच्चीस पचास में गया फोर्टी नाइन गुणा फिफ्टी वन ठीक है मान लीजिए ऐसा है अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा कौन बनेगा करोड़पति से नहीं चल रहा है कि ऑप्शन दे दें बिना ऑप्शन के बात करिए ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं अनंतकाल अच्छा तो तुम्हारा नाम अनंत शेखर खन्ना है जी अच्छा अच्छा और तुम लाइक का बटन दबाए कि नहीं दबा कि भूल गए अब ध्यान से देखिएगा यहां पर जब मैं इसको स्प्लिट मरवाऊंगा ये हो जाएगा एक बटे एक माइनस एक बटा तीन पर गुरु जी ऊपर वन है हाँ तो क्या करें अभी क्या आ रहा है तीन माइनस एक दो यहाँ पर देखिए ध्यान से तीन माइनस एक दो आया ठीक है ना जी तो ये जो दो आया है समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं यहां पर एक बटा दो लिख दूँ ठीक है इन दोनों में जो अंतर आया है यही कंपनसेटरी बाहर आ जाएगा देखो ध्यान से ये दोनों में अंतर कितने का है दो का ठीक है ये दो बाहर आ गया ध्यान से देखिए कैसे इन दोनों का एल्शियम लेंगे यही आएगा तीन माइनस एक करेंगे कितना आया दो ये कट गया जी बराबर है इसका एल्शियम लेंगे ये आ गया एक बटा तीन माइनस एक बटा पाँच अब देखिए दोनों का एल्शियम यह आया यहाँ पाँच यहाँ तीन आया दो ये इसके साथ में कैंसिल हो गया ठीक है अच्छे अरे बोलो जी अब आगे ऐसे अनंत काल तक कार्यक्रम चलते रहेगा ठीक है और ये ऐसा चलते चलते जाते रहेगा और ये लास्ट में आ गया, गया वन पॉइंट फोर्टी नाइन माइनस वन अपॉन फिफ्टी वन बोलिए हाँ या ना पक्की बात है ये पक्की बात है ये आंसर क्या आएगा कमेंट करिए आंसर क्या आएगा संगीता बोल रही पच्चीस ब टेन क्या वन आएगा सर चलो देख लेते हैं तो याद रखिएगा ये बीच का जो है पूरा क्या हो जाएगा गुरु जी स्वाहा पूरा क्या हो गया स्वाहा क्या बचेगा यह आया एक बटा दो इन टू ये क्या आया यहां पे वन माइनस में क्या आया एक बटा इनक्यावन ठीक बात है ये हो गया पचास बटा इनक्यावन दो से कट गया पच्चीस बटे इनक्यावन आप लोग का सबका कितने लोगों का ये आ रहा है बताइए तो सभी का आप आ रहा है दर्शन कुमार अनामिका अनामिका कुमारी जया हो तुम्हारी क्या बात है बेटा बहुत बड़ी आंसर तरुण देवांगन राइट मार्के एकदम बता दिया ठीक है अब ऐसा कोई भी अभी एक दो सीरीज का और ले लेंगे जी सवाल ऐसा कुछ भी आएगा सवाल तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे शशि ऐसा आएगा सवाल तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बना पाएंगे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बना लेंगे सर ठीक है बहुत अच्छी बात है चलिए बहुत सुंदर दीक्षित बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बटन दबाया जाए ये चूहा निकालें बाहर बटन दिया दबा के अब यहां पे मेरे पास ये बहुत सिंपल सा सवाल है ये दो तीन बार मैं करा चुका हूं यूट्यूब पे जो बच्चे नहीं किए देख लो गेट में आया हुआ सवाल है जी बनेगा कैसे वो देख लेते हैं इंसर्ट सेवन सात इंसर्ट करना है कैसे इंसर्ट करना है ऐसा आया तो पक्का बनेगा अबे जैसा भी आए बनाना पड़ेगा ठीक है क्या बात है बहुत सुंदर 126 लोग बोल रहे हैं चलो इंसर्ट सेवन नंबर बिटवीन टू एंड थर्टी फोर दो और थर्टी फोर के बीच में सात नंबर डाला सच दैट रिजल्टिंग सिक्वेंस इंक्लूडिंग टू एंड थर्टी फोर हमारे पास क्या आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो याद रखिये दो और थर्टी फोर के बीच में अगर सात डालिएगा तो टोटल n बराबर कितना हो जाएगा जी n बराबर नाइन ना आ जाएगा सम करेंगे अगर हम लोग तो दोनों का अगर हम क्या कहते हैं जो है एपी का सम करेंगे तो एपी का सम क्या होता है ये होता है एन बाई टू ए प्लस एल हा या ना सत्यवचन महाराज तो क्या हो जाएगा ये सम सम जो है आगे हमारे पास एन बाई टू एन कितना है नाइन बाय टू ए कितना है जी दो और लास्ट टर्म है चौंतीस ठीक है छः तो ये हो गया जी नाइन बटा दो दो और चौंतीस कितना हुआ जी अड़तीस ठीक है दो और चौतीस अड़तीस होगा मारेंगे खींच के बताइए क्या होगा देखो ये इस टाइप का जो है इसको कहते हैं हम सिली मिस्टेक नहीं इसको कहते हैं पाप इसको क्या कहते हैं पाप ठीक है चलिए <coughs> चलिए अब कैलकुलेट करिए आप लोगों को कैलकुलेट करना है ठीक है मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा फटाक से कैलकुलेट कर दें बताएं हाँ उसको पाप कहते हैं ठीक है तो ये आ गया अठारह एटीन इंटू नाइन कितना होता है वन सिक्सटी टू ठीक है अब वन सिक्सटी टू इसका आंसर नहीं है और वैसे भी ऑप्शन में दिया नहीं है मैं होता तो जरूर वन सिक्सटी टू को आंसर देता ऑप्शन देता माने कि ऑप्शन ए दे देता अब यहां पर मेरे को बोल रहा है कि वो सात इंसर्टेड सम ऑफ दिस इंसर्टेड सेवन नंबर तो इंसर्टेड सेवन नंबर क्या हो जाएगा टोटल माइनस टू प्लस थर्टी फोर ये टोटल माइनस फर्स्ट और लास्ट कर देंगे है ना तो टू और थर्टी फोर आ गया छत्तीस बैंसठ में छत्तीस गया छब्बीस तो ये मेरे पास आ गया एक सौ छब्बीस ऑप्शन डी डेल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कहिए सच है कि झूठ सही बात है एक सौ पैंसठ माइनस छब्बीस बहुत बढ़िया बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया अगर एपी पी एपी वाला तो हम बना लेंगे ठीक है ना ईजी बनेगा वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बहुत प्यारा है और आई थिंक कल आप लोगों को मिसिंग नंबर वाला सेशन uh, जो है वो हमारे टीम uh, मेंबर अंशु सर ने लिया है है ना तो अगर आपने मिसिंग नंबर वाला सेशन अटेंड किया है या नंबर सीरीज वाला सेशन अटेंड नहीं किया जा करके कर लेना पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है अब इस वाले को देखो ध्यान से कभी भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो या तो तुम मल्टीप्लाई खोजोगे या तो तुम डिफरेंस खोजोगे हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना या तो मल्टीप्लाई खोजोगे या तो डिफरेंस खोजोगे सीधी बात है बाकी सब बी बोल रहे हैं बहुत सुंदर अब देखो कितना सिंपल है ये ये मेरे पास क्या हो गया सर छः गुना है ये पाँच गुना है ठीक बात है ये हमारे पास चार गुना है चौबीस दिया तो ये हमारे पास तीन गुना है ये हमारे पास दो गुना है तो अगला जो भी आना चाहिए वो मेरे पास एक गुना होना चाहिए और एक गुना मेरे पास इकलौता है वो है चौदह चालीस अगला वाला जीरो गुना होगा इसलिए आंसर जीरो आ गया। तो एक -एक कम होते जा रहे हैं। हाँ या ना? यस और नो? एकदम सिंपल सवाल था इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई ठीक है लास्ट क्लास में मैंने कराया था लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था कि कितने हमारे पास जो है नंबर ऑफ जीरो वगैरह थे या नंबर ऑफ आ, बोलना चाहिए क्या टूज वगैरह थे चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें मेरे को बताइएगा नंबर ऑफ ये हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने हैं ठीक है चलिए चलिए बताइएगा एट टू दावर एटी एट ठीक है इन टू Twenty five to the power twenty five plus twenty two to the power eleven into twenty two to the power ट्वेंटी टू इंटू वन ट्वेंटी फाइव टू दावर वन ट्वेंटी फाइव चलिए इस वाले सवाल में हम लोगों को देखना है और बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज द एंड कितना है नंबर ऑफ जीरोज द एंड कितना है इस वाले क्वेश्चन को देखना है और हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितना आ रहा है ठीक है चलिए फटाफट से आप लोग को सॉल्व करना है हम लोगों सब को सबको मिलकर करना है तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो रहा है सर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा है ना तो नंबर ऑफ जीरोस यार ये निकाल दिया हमने बहुत कान दुख रहा जा रहा है पता है वो जो छोटा वाला रोड का माइक रहता है बहुत बढ़िया रहता है ये इसमें क्या है फंस जा रहा है ऐसा लग रहा है कान को कोई खींच दिया है चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा देखो एक ने शिवार शिव अरुण ने आंसर दे दिया है दो सौ छियासी कृष्णांदू बोल रहे हैं पचास ठीक है तो सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि यहां पर कम पेयर है कि यहां पर कंपेयर है और पेयर है तो कितना पेयर है ठीक है अब समझेंगे इस चीज को कि नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जीरो आता कब है तो दो और गुणा पांच करेंगे तो दस आएगा तो इसका मतलब अगर मैं पेयर सोच रहा हूं तो मेरे को दो और पांच का पेयर चाहिए सर या ना बोलो यस अब यहां पर देखो कितने दो हैं समझना है इस चीज को और यहां पर कितने पांच हैं तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये है पांच का पावर पच्चीस मतलब कितना हो गया जी पांच का स्क्वायर पच्चीस से मल्टीप्लाई स्क्वायर हुआ तो आ गया पांच का पावर पचास बिल्कुल सही है और दो का पावर ध्यान से देखिएगा जी सब लोग को बनाना है बेटा कोई भी जो है गलत मत बनाना बहुत प्यारा सवाल है ये कोई भी गलत मत बना देना ठीक है तो ये आ गया तीन दो का पावर तीन और एटी एट इंटू थ्री कर दीजिए इंग्लिश में आ जाएगा दो सौ चौसठ तो ये आ गया दो का पावर दो सौ चौसठ सही है क्या मुझे कह दीजिए सही है यहां कितने पेयर बनेंगे तो यहां पेयर बनेंगे सर पचास पेयर यहां बनेंगे 50 पेर. तो का पचास पेयर तो नंबर ऑफ जीरो आएगा पचास बट इधर देखते हैं तो यहां पर दो कितना है तो बाइस को लिखेंगे दो गुड़ित ग्यारह बाईस को लिखेगा दो गुणित ग्यारह ठीक है छे इसको लिखेगा दो गुणित ग्यारह सभी लोग यार सॉल्व करो यार ऐसा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो तुम लोगों को सॉल्व करना भाई तो ये हो जाएगा दो गुणित ग्यारह का पावर ये तो दो का पावर आ गया बाईस ठीक है और ये ग्यारह जो है ये लो ऐसा लिख लेते हैं तो यहां मेरे पास आ गया ग्यारह का पावर बाईस गुणा दो का पावर बाईस कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो बता देना जी ठीक है एक सौ पच्चीस है ये एक सौ पच्चीस है ये अब एक सौ पच्चीस मतलब पांच का पावर तीन और एक सौ पच्चीस गुणा तीन मतलब पांच का पावर जो है एक सौ पच्चीस रुक जाइए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो ये मेरे पास आ गया तीन सौ पचहत्तर बूझे कि नहीं समझे अब अगर पेयर खोजोगे बेटा तो यहां से पेयर कितना निकलेगा भाई अब पेयर निकलेगा सर बाईस पेयर हाँ और यहां पर पचास पेयर है यहां पर बाईस पेयर है और यहां पर पचास पेयर है. है, है बोलो आंसर क्या होगा कमेंट करो आंसर क्या होगा नंबर ऑफ कितना आएगा यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है पचास यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है बाईस कमेंट करो बे आंसर क्या आएगा मतलब गलत मत कर देना बहुत दुख लग जाएगा शशि कैसे थर्टी एट आ गया भाई तुम्हारा एक तरफ लिखा है बाईस पेयर एक तरफ और गलत देखो अगर कहीं पर मेरे से हुई है मिस्टेक तो वो भी बता देना राहुल देव शर्मा अब ध्यान से देखिए कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या वो समझ लेते हैं आठ को लिखा दो का पावर तीन अट्ठासी गुणा तीन आया दो सौ चौसठ यह पांच का पावर दो माने कि पांच का पावर पचास आ गया तो यहां पर पेयर जो है पचास ना बनेगा अब यहां पे आया ग्यारह गुणा दो मानी की दो का पावर बाईस आ गया और ये तो बाईस से ज्यादा ही ना है तो मिनिमम होगा वही छोटू ही हीरो है समझे कि नहीं समझे अब इन दोनों में छोटा कौन है भैया इन दोनों में छोटा है सर बाईस तो क्या होगा एट द एंड बाईस ही ना आएगा छोटू ही हीरो है भाई प्रखर भारद्वाज बोल रहे हैं और जब प्रखर भारद्वाज बोल रहे हैं तो तुम लोग को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए तो छोटू ही हीरो है समझ में आया कि नहीं आया 28 कहां से आ जा रहा है भाई अट्ठाईस कहां से आ जा रहा है भाई मतलब अट्ठाईस कैसे आ सकता है अट्ठाईस कैसे आ गया भाई गलत मत करो यार अंजलि आशीर्वाद बेटा बहुत बहुत खुश रहो समझ में आया गेम समझे इसको ऐसे सवाल एप्टीट्यूड के आएंगे तो तुमसे बनने चाहिए मैं बोल रहा हूं याद रखिएगा बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं मिस्टेक नहीं करेंगे और जो नए बच्चे आए हो जो भी दस बारह बच्चे जुड़े हैं अभी लाइक का बटन दबा दो लाइक को चढ़ जाओ चौसठ को कर दो सत्तर है ना चलो अगला प्रश्न करेंगे जी एकदम क्लियर है मज़ा आया कि नहीं आया चलो भाई अब देखो अलग अलग प्रकार की डिमांड आती है जी है ना इसकी स्टाइल में आशुतोष भाई पढ़ाई लिखाई किया जाए पढ़ाई लिखाई किया जाए नहीं समझे और ये सब मत किया जाए वो तो हम अभी हम क्या हुआ आने के पहले रवीश कुमार का एक देख लिए ठीक है अब रमेश रवीश कुमार को देख लिए आदरणीय हमारे उनकी पत्रकारिता के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बहुत बड़ा फ़ैन उनकी पत्रकारिता का बहुत बड़ा फ़ैन अब जैसे हमने देखा दिल खुश हो गया जी तो बस फ्लो फ्लो में थोड़ा सा एक्सेंट उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है अब इस वाले सवाल को देखेगा आई वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स तो यहाँ पे मैं बहुत ही उमदा टाइप का एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मेरे स्पेशल पे अटेंड किया सुबह वो तो बोल ही देंगे कि आंसर सर ये है पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा इस क्वेश्चन में दो चीजें छुपी हुई है पहला मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि इसका डिटरमिनेंट क्या है जी बताओ इफ आई एम आस्किंग द डिटरमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द डिटरमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यू हैव टू कमेंट द डिटरमेंट यू हैव टू द डिटर्मिनेंट फर्स्ट सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा तो ये कोई अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं ध्यान से देखो ये कोई अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स तो है नहीं ये नीचे में जो वन है ये दिक्कत कर रहा है तो मैं बोल रहा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अपर ट्रेंगुलर नहीं हुआ तो क्या हुआ ब्लॉक डायगोनल तो है जी तो ये एक ब्लॉक बनाइए ये दूसरा ब्लॉक बना दीजिए और बाकी जो जीरो है बहुत सुंदर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें मान लीजिए ये ए वन है

माइनस नॉट एल टी एम अंजलि बोल रही है नॉट एल टी एम नॉट यू एब्सोल्युटली राइट सो व्हाट इज द आंसर द आंसर इज व्हाट यहां पर है यहां पर हमारे पास है छिया और यहां पर है अट्ठा आंसर आ गया फोर्टी एट अब ऐसा कौन सा लेमडा है जी जो इसमें डिटर्मिनेंट अड़तालीस बना रहा है वो भी माइनस में रुक जाइए वो भी माइनस में ऐसा कौन है तो अब ध्यान से देखिए दो दो चार नहीं हो सकता यार तीन दुनी छह दुनी बारह चौके अड़तालीस सत्य वचन नहीं हो सकता नहीं हो सकता तो ये मेरे पास क्या आ गया जी आइगेन वैल्यूज बूझे कि नहीं बूझे बूझे पछी अरे बोलो यार और अगर कंसेप्ट अच्छा लगता है तो हार्ट हार्ट बना दिया करो कहाँ से छप्पन आ रहा तुम्हारा अनामिका क्या देख रही हो भाई है कहां से क्या देख रही हो बेटा छप्पन कहां से आ जाएगा जी गजब बात कर दिए तो गलत बात नहीं करना है ठीक बात तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज एप्सोल्यूटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स चलिए एक डिटर्मिनेंट और निकालिए ये डिटर्मिनेंट आप लोग को निकालना है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट राइट क्या ऐसा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट में लिखा है वन माइनस वन जीरो 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 ठीक है अभी मिटेगा कैसे जी छोटा सा इरेजर बहुत बढ़िया ठीक है लिखेगा जीरो अरे यार फिर जीरो कर दिए अरे आओ भाई हाँ लिखेगा टू माइनस वन ज़ीरो 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 ठीक है जीरो, जीरो, ये डायगोनल है टू ज़ीरो थ्री एक दो तीन चार थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो ध्यान से देखते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार अरे भैया पांचवा कहाँ है जी गड़बड़ हो गया देखे गड़बड़ हो गया कि नहीं एक दो तीन चारे है रुक जाओ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलवा दिए थे अभी समझे चलिए इस वाले सवाल को हम लोग को सॉल्व करना एक बार देख लीजिए काउंट करके एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू निकालना है ठीक है सभी लोग ध्यान से देखिएगा आकाश शर्मा ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो so गिवन आई वैल्यूज आर डायरेक्टली कम आउट नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता आकाश आधा नॉलेज और गलत नॉलेज लेकर के कमेंट करना इज नॉट गुड प्यारे भाई ठीक है ऐसा नहीं करेंगे बेटा ठीक है शौरी शक्तिमान बोल नहीं तो अगला सवाल ऐसा लिया जाएगा कि आपका दिमाग जो है खुल जाएगा वो इस समय का अभाव है अदरवाइज अगर मैं गेट 2024 के लिए पढ़ा रहा होता सेम चीज़ को ना तो कुछ अलग ही चीज पढ़ते अपन ठीक बात है चलो अब ध्यान से देखिएगा इस वाले सवाल को यहां पर हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बना पाएंगे क्या जी तो सबसे पहले त्रा... जो एकदम हमको ट्राई करना है अच्छा जो तुम कमेंट किए हो अभी जो कमेंट करे हो आकाश इसको ही अब देख लो यहीं पे फंस जाएंगे हम समझे जो कमेंट किए ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे आकाश शर्मा है कि नहीं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का यहाँ पर फंडा ही नहीं है ये अलग ही दुनिया का है बेटा मैट्रिक्स तो यहाँ पर ब्लॉक डायगोनल बनाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं ये हमने एक डायगोनल के लिए ब्लॉक बना दिया और ये हमने एक ब्लॉक बना दिया ठीक है ये हमको दिख रहा है एक थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक जिसको हम सोल्व करने वाले हैं ये टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट है जिसको आप सोल्व करने वाले हो कहीं पे कोई दिक्कत नो सर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आकाश ध्यान से देख एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से देख अब ये टू क्रॉस टू का इसको जब सोल्व करोगे इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा तो ए वन अगर मैं उसके उसको ए वन बोल दिया ठीक है तो यह आ जाएगा माइनस वन और प्लस टू तो यह आ जाएगा भैया वन इन टू माइनस वन और प्लस टू वन ठीक है अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये थ्री के लिए एक्सपांड कर दो जब इसमें एक्सपांड कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा ये आ जाएगा थ्री माइनस टू ये आ गया थ्री ब्रैकेट में थ्री माइनस टू आंसर क्या आ गया गुरु जी तीन बहुत सुंदर तरीके से समझ में आया आकाश गेम आकाश गेम समझे कि नहीं समझे बहुत प्यारा गेम है ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर वाली बात ही नहीं है मेरे प्यारे भाई समझ अगर इस सवाल में तू देखेगा ना तो यहां पर तो तेरे पास डायगोनल आ गया है ना बट यहां पर देख तीन चार एलिमेंट है ऊपर एक ही एलिमेंट है बट यहां पर तू सोचेगा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम आ रहा है क्लियर हुआ गेम समझ गेम समझ गेम समझ और लाइक के बटन को दबा दे हाँ सर एकदम क्लियर है करके बहुत सुंदर तरुण चुप्प आकाश तेरा भी फर्ज बनता है जैसे तरुण ने किया वो करने का एकदम क्लियर हो रहा है गेम समझो छोटी छोटी मगर मोटी बातें ठीक है चलिए सर तो नेक्स्ट हम लेते हैं आगे जो सवाल लेने वाला हूं अगला सवाल ये जो अगला सवाल है ये मैं ये मैं लिया था कल भी मैंने इसी के बारे में बात करी थी ठीक है कल भी मैंने इसके बारे में बात करी है बट इस वाले क्वेश्चन को मैं मैंने क्या बोला था कि इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो अगर जो बच्चे आज स्पेशल क्लास में अटेंड किए हैं स्पेशल क्लास से कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी है ना तो देखो जैसे हम लोग अंजलि हो गए ये हो गए आकाश हो गया एक, रा, एक रामा हो गया ये लोग सब आंसर फटाफट दे दे रहे हैं आंसर देना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है मनाली हो गई मोनाली हो गई कृष्णानंद हो गया सब लोग बोल देंगे हाँ सर ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है मेरा मुद्दा वो नहीं था ठीक है कैसे ऐसा हो रहा है सर तो यहां पर मैं क्वेश्चन कल भी कराया था कि एट और फोर लिखा है टोटल्स हम मार रहे हैं तो इसके ट्रेस के बराबर होना चाहिए और ट्रेस के बराबर अगर है तो वो बारह है यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मान लीजिए और कोई ऑप्शन में तो बारह दिख नहीं रहा बट मैं ऑप्शन बी को यदि चेंज करता हूं लेट लेटर सपोज इफ आई एम चेंजिंग द ऑप्शन बी और ऑप्शन बी मैं ऐसा फ्रेम कर देता हूं कि तुम्हारा ऑप्शन बी जो है इस मैट्रिक्स की जगह पे अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ठीक है ध्यान से देखिएगा प्लीज़ इस मैट्रिक्स की जगह मैंने ये लिख दिया मैंने यहां पर लिखा एट मैंने यहां पर लिखा टू मैंने यहां पर लिख दिया जीरो और मैंने यहां पर लिख दिया फोर अब मेरे को ध्यान से देख के बताइए क्या ऑप्शन बी भी आंसर है क्या तो अगर तुम प्रॉपर्टी से सोचोगे तो तुम आंसर दे नहीं पाओगे तुम प्रॉपर्टी से अगर सोचोगे तो आंसर दे नहीं पाओगे क्यों नहीं दे पाओगे आंसर गुरु जी बेटा इसलिए नहीं दे पाओगे क्योंकि यह भी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी क्या होती प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती प्रॉपर्टी होती सर लेमडा वन प्लस लेमडा टू बराबर ट्रेस या ना सही बात है सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते हो तुम तुम बोलते हो सर लेमडा वन इंटू लेमडा टू बराबर डिटर्मिनेंट अब ध्यान से देखो ट्रेस के बराबर तो है ये है डिटर्मिनेंट कितना है छके छत्तीस माइनस चार बत्तीस तो यहां पर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू थर्टी टू आठ छके बत्तीस इसमें देखो ट्रेस की वैल्यू सर ट्रेस की वैल्यू बारह है की डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू बत्तीस है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है अब कैसे करें क्या अप्लाई करोगे कंसेप्ट बोलो तरुण बोल रहा है सॉल्व करना पड़ेगा मैडम से यार एक गलत बात है बिल्कुल भी वैसा नहीं करेंगे बेटा नेवर क्या करेंगे यहां पर अभी ब्रह्मास्त्र बाहर आया ही नहीं है वो क्या था सर ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स मेरे दोस्त ये हम अप्लाई करेंगे ए एक्स बराबर लेमडा एक्स समझ में आया गेम समझो हर बार मैडम इनवर्स मैडम इनवर्स नहीं करना है अरे जब वैल्यू ए एक्स बराबर लेमडा एक्स से निकल सकती है कैप्टन अमेरिका सही बात है बेटा सही बात है ठीक है तो एक्स बराबर से देखना A, है है, A? A, पता नहीं इनमें से कोई है, तो, मैं पहले उठा लिया इसको। पहला यही है। तो भी एक्स उठा लो यहां पर, पर बोल रहा है वन और वन तो आना चाहिए ये अब इसको देखो ध्यान से तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो आठ कम आठ और ये दो दस आ गया अब दस को कैसे कॉमन निकाल पाओगे जिसमें हमारे पास लेमडा कॉमन आ जाए एक स्केलर फैक्टर के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आशुतोष बोल रहा है कैले हेमिल्टन थ्योरम नहीं भाई अकेले हेमिल्टन थ्योरम क्यों जबरदस्ती अप्लाई करेंगे छो कुछ भी मत करो भाई कुछ भी मत बोलो यार कुछ भी नहीं बोलना है यार मतलब ऐसा थोड़ी करेंगे कुछ भी थोड़ी बोलोगे यार कुछ भी नहीं बोलना है जब भी बोलो सोच समझ के बोलो एक बहुत बचपन में हम लोगों को हमारे जो गुरुजी थे एक साहू सर थे सातवीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो वो हमेशा क्लास में ना कुछ भी बोलते थे खड़े करवा देते थे तो हम हाथ ऊपर कर खड़े करवा हाँ तो हाँ सर मैं बोलूंगा सर है ना तो सर बोलते थे बेटा ध्यान रखना तोल मोल के बोल तोल मोल के बोलना मन में पहले तोल लो मोल लो फिर बोलो है ना गड़बड़ नहीं करना कुछ भी नहीं बोलना ठीक है चलिए अगर अगला प्रश्न देखा जाए अगला प्रश्न क्या है गुरुजी देखो बहुत सिंपल है इस वाले क्वेश्चन को भी मैं हमेशा यूज करता हूं कराने के लिए बट यहां पर एक छोटी सी चीज़ यहां पर करते हैं ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं पहले तो समझते हैं सर क्वेश्चन को सॉल्व मैं कर दूंगा बट अगर मैं सॉल्व नहीं करना चाहता और मैं क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूं सो हियर इन दिस क्वेश्चन दिस इज ए दिस इज बी दिस इज दुनियादारी सब ठीक है है ना यहां पर मेरे पास है ए इज इक्वल टू ये जो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है मुझे निकालना है रैंक ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए ये मेरा क्वेश्चन मार्क है दोस्त रैंक ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए दिस वी नीड टू फाइंड सर मैडम मैं डी का बोल रहा पता नहीं क्या बोल रहा भाई ठीक है क्या होगा बोलो क्या होगा रैंक ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए तो ये अगर ए है इसका एड का रैंक हम लोगों को चाहिए ठीक है तो जो मेरे से स्पेशल क्लास में पढ़े मैं मतलब तो देखो स्पेशल क्लास में पढ़ने से फायदा हो रहा है यहां पर हम एप्टीट्यूड मैथ्स के कॉम्बिनेशन में भी रिवीजन मार रहे हैं बट वहां पर हमको बहुत फायदा आज की स्पेशल क्लास जो भी अटेंड किया होगा वो एकदम झमाझम ज़म हो गया होगा मस्त तरीके से हैप्पी हो गया होगा इसलिए लाइक like का बटन तो वो बच्चा दबा ही देगा कि सर मेरे तरफ से लाइक है सर है ना वो बच्चा लाइक का बटन तो दबा ही देगा बोलेगा सर मेरे तरफ से लाइक है अब ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इक्वेशन है हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले समझते हैं अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं ध्यान से देखना इसको तो अगर मैं रो सोच रहा हूं ठीक है अगर मैं रो सोच रहा हूं तो ये मेरे पास आर वन है ए बी सी तुमको दिखना नहीं चाहिए बोस ए बी सी तुमको दिखना नहीं चाहिए मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो मान लेता हूं बीच में एक डॉटेड लाइन है ये मेरे पास है आर टू और ये मेरे पास है आर थ्री जब अगर तुम यहां पर रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो दोस्त मुझे ये बताओ सर रिश्तेदारी कुछ है इसमें हाँ रिश्तेदारी कुछ दिख रही है ध्यान से देखिए रिश्तेदारी कुछ दिख रही है जी बताइए सर बिल्कुल दिख रही है आप हमेशा जीरो पे फोकस करें तो इसमें दिख रहा है सर इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस का मतलब हो रहा है सर टू आर वन माइनस आर टू बराबर आर थ्री लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं इसमें टू का मल्टीप्लाई करेंगे दस इसमें माइनस करेंगे माइनस माइनस चार तो दस और चार के आ जाएगा गुरु जी चौदह बहुत सही बात है सर ये आ रहा है इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है तुमको समझ आया इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि आर्थरी जो मेरे पास है वो नल बन चुका है नल जिससे पानी आएगा वो नहीं है ना ये मेरे पास क्या बन गया नल स्पेस या इसी को हम बोल देते हैं शॉर्टकट में नलिटी सो इट इज़ फॉर्मिंग नलिटी इफ इट इज़ फॉर्मिंग नलिटी सुन लो इफ इट इज़ फॉर्मिंग नलिटी द नंबर ऑफ नलिटी कितना हुआ अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ नलिटी कितना हुआ ये ऐसे स्पेशल क्लास आर फ्री एब्सोल्यूटली नहीं अच्छा शिवम राज पूछ रहे तो बच्ची आंसर दे रही है ठीक है बाबू एक दूसरे को आंसर दिया करो है चलो एक दूसरे को आंसर दो ऐसा आंसर देते रहा करो ठीक है जी मस्त एक दूसरे को आंसर देते रहना जी है ना भाई चलो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास है लगा दे भैया नलिटी हो गया भैया ठीक है छे अब क्या करेंगे सर भाई मैं ये बोल रहा हूं इस सवाल का दोगलापन निकालते हैं ठीक है तो दोगलापन क्या है इस सवाल में कि यहां पर मेरे को यह दिख रहा है कि ये बस चिंदा है आर वन और आर टू तो रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के और बराबर किसके है बराबर नहीं है छोटा किससे है ये यह छोटा है वेरिएबल से तो कभी भी ऐसा केस बनता है तो आप बोल देते हो कौन सा सॉल्यूशन होता है गुरुजी ये इन्फानाइट इन्फानाइट सॉल्यूशन अगर इन्फा सॉल्यूशन है तो ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट या ना अगर इंफानेट सोल्यूशन है तो ऑप्शन बी अब मेरा सवाल समझना ध्यान से और की पॉइंट नोट करना मस्त तरीके से अरे मैडम मैं डी का वैल्यू बोली अरे भाई मेरे एम इनवर्स में फर्स्ट होता है मोडल डी जो है वो डायगोनल होता है डी जो है वो डायगोनल होता है और डायगोनल क्या होता है दोस्त उसमें आइगन वैल्यू होना चाहिए ठीक है डायगोनल में तेरा क्या होना चाहिए आइगन वैल्यू होना चाहिए ठीक है अब क्लियर है चार बार पूछ लिया सेम चीज ए भाई कोई कैप्टन अमेरिका को लाइन अप करो कहां से उसको अन अकेडमी पे आ, हमारी स्पेशल क्लास मिलेगी कुछ नहीं करना तेरे को सुन गेट अकेडमी में कम्युनिटी पोस्ट में जा कहां सर सुन सुन गेट अकेडमी ये जो हमारा चैनल है समझ गया समझा बेटा इसी की कम्युनिटी पोस्ट में जा चले गया कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद में अब क्या करें सर कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद स्क्रॉल कर गया अब मेरी फोटो वाला एक थंबनेल दिख रहा है जिसमें स्पेशल क्लास लिखी है गया लिंक को खोल खोला मेरे स्पेशल क्लास में पहुंच जाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट मतलब एकदम ठीक है अब यहां पर मैंने क्या पूछा था मैंने पूछा था कि रैंक ऑफ एट ऑफ ए अब बेटा ध्यान से सुनना इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस कर जाएगा वो सच में मिस कर जाएगा क्योंकि यहां से आईआईटी कानपुर सवाल देने का चांस बना रहा है टेलीफोन पे तो नहीं टेलीपैथी पे बात हुई है वाह पहुंच गया देखे कहे थे ना तुमसे पहुंच जाओगे दोस्त ठीक है चलिए अब भाई एडजॉइंट का रैंक कैसे निकलेगा आप सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर यह रिश्तेदारी में था है ना भाई अगर ये रिश्तेदारी में था तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि इसका डिटर्मिनेंट नमस्ते है और इसका डिटर्मिनेंट नमस्ते है और रैंक ऑफ ए जो है वो मेरे पास टू है ठीक है तीन चीजें बता रहा हूं एक एक करके दिमाग में घुसाना पहला अगर मैं इसमें आइगन वैल्यू की बात करूंगा तो चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका आइगन 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 वैल्यू 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 एक एक कम कम से कम एक जीरो होगा सेकंड चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए जो इसका रैंक होगा वो एन से कम होगा माने कि तीन से कम होगा तीसरा कितना कम है वो इंपॉर्टेंट है इसका रैंक कितना कम है बेटा थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स था ये इसका रैंक कितना कम है तो इसका रैंक दो है मतलब एक कम है जब भी सुन लो जब भी किसी मैट्रिक्स में इसको नोट कर लो कॉपी में इफ इन द मैट्रिक्स इफ देयर इज वन नलिटी हेलो आई एम रिपीटिंग अगेन तुम नहीं कर रहे हो नोट तुम्हारी गलती है भाई इफ इन द मैट्रिक्स देयर इज वन नलिटी अगर एक नलिटी है उस मैट्रिक्स में देन द रैंक ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए इज ऑलवेज वन द रैंक ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज वन इफ देयर इज वन नलिटी द रैंक ऑफ एट जॉइंट ऑफ इज ऑलवेज वन डायरेक्ट मैं क्या बोला डायरेक्ट सोचने की भी आवश्यकता नहीं है एकदम डायरेक्ट और इफ देर इज टू और मोर नलिटीज हेलो अगेन नोट करो इफ देर इज टू और मोर नलिटीज देन द रैंक ऑफ एट जॉइंट इज ऑलवेज जीरोन द रैंक ऑफ एट जॉइंट इज ऑलवेज जीरो इसको आप ध्यान रखिएगा डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया अगला प्रश्न करेंगे ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं इतमिन के साथ में तो कभी भी याद रखिएगा जब भी आइगेन वैल्यूज पूछा है या आइगन गया भाई ये ये, ये जो भी मेरा सेशन हैंडलर देख रहा होगा दोबारा मेरे को ये मत देना भाई थोड़ा बड़ा देना जी ये बहुत ही छोटा है आप समझ नहीं रहे हो हमारा सिर बड़ा है अब फिटे ही नहीं बैठ रहा और तो कान दुख जा रहा है समझ रहे हो यहां फंसा लेता हूं तो सच में दर्द हो रहा है कान भी बड़ा है सिर भी बड़ा है चलो ठीक बात है अब इसको देखते हैं द वैल्यू ऑफ पी सच दैट एक आइगन वेक्टर है वो इस मैट्रिक्स में है अब सुनना वेक्टर और ये जो मैट्रिक्स हैं हम क्या समझते कि इस वेक्टर को इस वेक्टर को ये सोचोगे तो वेक्टर ऐसा है ये. X I ये कायदे से ना वेक्टर ऐसा है ठीक है जिसको हम ऐसे जबरदस्ती पढ़ रहे आशुतोष बहुत बढ़िया बेटा शशि रंजन सुपब समझना है इस चीज को कि ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है इसको स्केल्ड कर दे रहा है जितने में स्केल्ड कर रहा है वो क्या कहलाएगा इसका स्केलिंग फैक्टर दैट इज आइगन वैल्यू सॉरी नया था फिर से बोलता हूं स्केल एक एक वेक्टर को एक मैट्रिक से स्केल कर दिया जो स्केलिंग फैक्टर है वही आइगन वैल्यू है ठीक है मेरे अलावा ये वर्ड को यूज नहीं करता भाई इंडिया में मैं ही कर रहा हूं थोड़ा सा मैथमेटिक्स uh, को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सोचेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती चीजें इसको इसको ध्यान से से ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वाले वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो तो वेक्टर से से मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा? तो ये वन को कितने से स्केल किया इसने वो देख लेते। वही हमारे पास चार एक कम चार, दो छह तो यहां पर आ गया बारह जैसे ये बारह आया मतलब मेरे को लेमडा की वैल्यू क्या पता चली बारह ठीक है अब मेरे पास आ चुकी है लेमडा की वैल्यू बारह इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए चौबीस इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए छत्तीस समझ में आया अब पी वाले को खोजते हैं तो पी वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो चौबीस से कंपेयर होना चाहिए करते हैं चलो तो पी वन जा पी टू टू जा फोर वन थ्री जा थ्री बराबर कितना चौबीस तो पी बराबर चौबीस में सात गया सत्रह ये हमारा हो गया आंसर समझ में आया क्या एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया क्या आज तुम लोगों का टारगेट मेरे को ऐसा रखता है कि तुम लोगों को टारगेट होना चाहिए कि गुरुजी की क्लास में बच्चे सौ बच्चे पढ़े है ना स्पेशल क्लास में आज हंड्रेड प्लस बच्चे थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु की क्लास में सौ प्लस बच्चे लाइव कहीं भी हो चाहे यूट्यूब हो चाहे स्पेशल क्लास हो चाहे कुछ भी हो होना तो मांगता है दोस्त है हाँ ना और लाइक भी सौ होना मांगता है लाइक भी सौ होना मांगता है और बच्चा भी सौ होना मांगता है ठीक बात है सर मांगता है तो नहीं मिलेगा है हाँ ना आप देखिएगा ध्यान से कि भैया अरे 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 भैया अरे भैया चले गया भैया नो कहाँ से लाएं उसको वापस आए ये लो गड़बड़ हो गया अरे यार ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट खुल गया ये तो कैंसल अरे भाई कहाँ से लाएं इम्पोर्ट पी ये फिर गड़बड़ हो गया ये पेनड्राइव को निकाल के दोबारा लगा दे क्या जी ये तो लॉजी टेक का है अब देखो यार कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है तो बुलाना पड़ेगा किसी को ठीक है क्योंकि काफ़ी सारा सवाल हम लेकर के आए थे किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा अरे आ गया भैया आए आ गया आ गया आ गया, गया। रुको रुको हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आ गया चलो क्या बात है मैं डर गया था जोर से चलिए भैया द वैल्यू ऑफ एक्स ये एक्स की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को है ना ये एक्स जो है फॉलोइंग uh, क्या बोल रहे विच ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स रियल तो यहां पर आइगन वैल्यू का रियल होना बहुत आवश्यक है ऐसा बोला जा रहा है समझे कि नहीं समझे आइगन वैल्यू का रियल होना आवश्यक है तो याद रखेगा आइगन वैल्यू का कब कब रियल होना आवश्यक होता है सिमेट्रिक के मैट्रिक्स केस में और हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा चूंकि ये सवाल जो है यहां पर मेरे भाई ये क्वेश्चन में जो ध्यान से देखेगा पहला तो चेक करते हैं तो ये सिमेट्रिक वाला फील दे रहा है सिमेट्रिक वाला फील दे रहा है और ये डायगोनल भी हमारे पास रियल है इसका मतलब ये सिमेट्रिक है और रियल अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मैट्रिक्स को जब मैं सोचता हूं तो ये मैट्रिक्स मुझे सोचने से क्या लग रहा है ये मैट्रिक्स मुझे सोचने से रियल मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है ये तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिख रहा है याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के केस में कभी भी आप सिमेट्रिक के बारे में नहीं सोचोगे आप किसके बारे में सोचोगे हर मीशियन. इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए जब भी कोई भी याद रखना बेटा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया है तो हरमिशन तीन पैरामीटर तीन हमारे पास तरीके होंगे आप फोकस करेंगे अब ध्यान से आशीष आर्ट्स करके जो भाई है दर्शन कुमार जो भाई है ये दोनों ने ए डाल दिया जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्यों वो बनाना चाहते हैं उसको सिमेट्रिक बट मैंने क्या बोला कॉम्प्लेक्स के केस में तुम सिमेट्रिक के बारे में समझना है इस चीज को तुम बोलोगे सर सिमेट्रिक भी तो बन जाएगा नहीं बेटा समझ नहीं पाया फिर बोल ही रहा हूं कॉम्प्लेक्स के केस में सिमेट्रिक के बारे में नहीं सोचना है हरमीशन के बारे में सोचना है तो आंसर क्या आ जाएगा हरमिशन के केस में क्या होता है ये जो होता है वो इसका कॉन्जुगेट होता है तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी बॉम्बे इज एप्सिल्यूटली करेक्ट आंसर समझ में आया कि नहीं आया हमेशा ये जो फॉर्म होगा मेरे पास ये कैसा फॉर्म होगा सर कॉन्जुगेट फॉर्म होगा कैसा फॉर्म होगा ये कॉन्जुगेट फॉर्म होगा तो हमेशा याद रखना ये कॉन्जुगेट फॉर्म में आना चाहिए तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा आंसर होना चाहिए अब मुझे बताइएगा ध्यान से देखिएगा मान लो कि यहां पर जो है इस वाली जगह पे मान लेते हैं ये नहीं लिखा है और इसकी जगह पे मान लो लिखा है सेवन तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए फटाक से कमेंट करिए चलिए मान लीजिए वहां पर लिखा है सेवन तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कमेंट करिए थोड़ा जल्दी से कमेंट करिए समय का अभाव है जी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जल्दी से कमेंट करिए मान लीजिए वहां पर सेवन लिखा है तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बूझे बहुत सुंदर तब हम सोचेंगे सिमेट्रिक के केस में और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए एक्स की वैल्यू को भी सात होना चाहिए सही जवाब बहुत सुंदर नेक्स्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं इस सवाल की नजाकत को समझते हैं सवाल में दो से तीन बार अभी तक जो है यूट्यूब पे करा ही चुका हूँ बट फिर भी इस सवाल की नजाकत को समझते हुए सॉल्व करेंगे द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे दूसरा इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के बाद में हमारा जो सवाल है वो ये है हमारा जो सवाल है वो ये है कि इसका एड का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा ये भी हमको बताना होगा ठीक है सबसे पहले इसके रैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि क्या हमें कुछ डिपेंडेंसी दिख रही है क्या द वेरी फर्स्ट थिंग इज वॉट टू फाइंड द डिपेंडेंसी इफ यू वॉन्ट टू इवेलुएट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स द रैंक इज डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ रैंक इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ रैंक इज वॉट क्या है डेफिनेशन रैंक की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोल एंड कॉलम्स राइट सो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से इसको देखिएगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे तो यहां पर दिख रहा है वन जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन वन ठीक है वन वन ये हमेशा वन और माइनस वन मेरे को दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं छोटा सा एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं और मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं एंड आई एम इफ आई एम अपलाइंगाइव इज चेंड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर और प्लस मेरे भाई आर फाइव अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दिया तो सबको जोड़ा क्या आया जीरो सबको जोड़ा क्या आया जीरो सबको जोड़ा क्या आया जीरो सबको जोड़ा क्या आया जी जीरो सबको जोड़ा, जी सब जोड़ा, जी. जी सब जोड़ा क्या आया गुरु जी जीरो आर तो फाइव क्या हो जाएगा गुरु जी नल स्पेस बन गया यहां पर जैसे ये नल स्पेस बना दोस्त ध्यान से सुनना इस चीज को जैसे ही ये नल स्पेस बना ठीक है रैंक वन गलत है भाई मयंक शर्मा जा करके और रैंक ऑफ एड ज्वाइंट जीरो बहुत गलत है बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा अगर आर फाइव पूरा पूरा समर्पित भाव से ज़ीरो हो गया तो अब मेरे पास बचा तीन अब यहां पर तीनों में आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है फिर भी अगर तुम्हारा मन करे कि सर कैसे करें इसको सॉल्व तो तुम छोटा सा एक काम कर लो कि एक फोर क्रॉस फोर का डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर लो जो कि नॉन जीरो आएगा कैसे वो भी दिखा देता हूं देखो ये जीरो 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 ये वन तो जब मैं वन के लिए सॉल्व करूंगा तो यहां पर नॉन जीरो वैल्यू वन है तो ये वन से रिलेट हुआ फिर यहां से वैल्यू रिलेट हुई ये जीरो ज़ीरो रुक जाओ कहीं से पकड़ते हैं हाँ चलिए यही जीरो जीरो से कर लेते हैं तो ये वन नॉन जीरो वैल्यू है तो ये वाला डिलीट हो गया और ये वाला डिलीट हो गया तो अभी वन मिला था यहाँ से ये वाला वन मिल गया अब यहां पे चले गए तो ये डिलीट हुआ और ये डिलीट हुआ तो यहाँ से वन मिल गया तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा कहिए या ना यस सर अब ध्यान से अगर समझते हैं तो यहाँ पर चार क्रॉस चार का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब रैंक की वैल्यू जो है गुरुजी जी चार हो गई है नल स्पेस की वैल्यू वन हो गई है अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका डिटर्मिनेंट चार हो गया जो कि एक फाइव क्रॉस फाइव का मैट्रिक्स था उसको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई है अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो, हो गई दोस्तों तो हम लोगों को अगर निकालना है एट जॉइंट ऑफ ए मेरे प्यारे भाई तो एट जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है ये होता है डिटर्मिनेंट का पावर एन माइनस वन कहिए हाँ या ना और जीरो का पावर अगर पाँच माइनस वन माने चार करिएगा और जीरो को चार बार जीरो से गुणा करके आंसर क्या निकलेगा जी समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे तो यहां पर एडजोइंट का डिटर्मिनेंट मैंने पूछा साथ ही साथ मैंने रैंक निकाला अब मुझे बताओ अगर मैं तुमसे यह कहूं कि रैंक ऑफ एडजोइंट ऑफ ए क्या होगा मैं चाहता हूं लाइन से कमेंट आना चाहिए सभी बच्चों का कि अगर मैं ये पूछ लिया तुमसे जी तो आंसर क्या होगा अगर मैं ये कह दिया ये पूछ लिया लाइन से आना चाहिए मतलब ऐसा नहीं रुकना नहीं चाहिए क्या आ रहा है आंसर तो यहां पे लाल कलर से इंकित किया जाएगा कि आंसर आएगा भाई मेरे वन यस एप्सिल्यूटली करेक्ट आंसर आएगा वन बहुत सुंदर तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बात है ठीक है सूरज कैसे जीरो जाएगा अब देखो जिसको थोड़ा सा भी और भी डाउट आएगा ये सेशन तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा दूसरा मेरी स्पेशल क्लास भी है वो भी अटेंड कर सकते हो दोनों में से जो तुमको बेस्ट लगे बट यहां पे लाइक जरूर करना ये 91 को सौ करो जी ये 91 लाइक को सौ करिए जी तुरंत 100 करिए चलिए अगला जो सवाल है ट्रू फॉल्स वाला सवाल है इसको भी निपटा ही देते हैं बुझे। और दस बज करके दस मिनट हुआ है गर्दा उड़ा दिया धागा खोल दिया बिल्कुल है ना भाई धागा खोल दिया इसको सॉल्व कर दिए हुआ सो नाइंटी थ्री हुआ है बताइए भला हंड्रेड नहीं कर पा रहे हो आप लोग अब ध्यान से देखते हैं इस सवाल को क्या है सवाल ए इज एम क्रॉस एंड फुल रैंक मैट्रिक्स और जहां पर एम इज ग्रेटर देन एन दिया हुआ है इसका मतलब इसका रैंक कितना है अगर मैं पूछूं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक आप क्या कह देते हो आप कहते हो रैंक इज ऑलवेज लेस देन मिनिमम ऑफ आर कॉमा ये अब दोनों में से छोटा एन है तो रैंक ऑफ ए बराबर एन ही ना होगा हाँ या ना रैंक ऑफ ए बराबर एन ही होगा सही बात है चलिए अब यदि मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स में जो कि तुमको दिख रहा है सुंदर सा प्यारा सा ए प्लस के बारे में बात किया जाए तो ए प्लस के बारे में जब हम बात करें ए तो प्लस के बारे में जब हम बात करें तो ए प्लस कैसे निकालेंगे ठीक है ए प्लस कैसा निकलेगा तो देखिए इनवर्स वाले की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये जगह बी का इनवर्स और इन ए का इनवर्स ठीक बात है इंटू मेरे पास ऑलरेडी ए का ट्रांसपोज पड़ा ही हुआ है है ना तो ये दोनों समर्पित भाव से क्या हो गया जी आई तो ए प्लस का जो वैल्यू आया है गुरु जी वो आया है ए इनवर्स अब मुझे एक बात बताइए ए मैट्रिक्स जो है उसको बोला है एम क्रॉस एन का और एम का वैल्यू ग्रेटर देन एन दिया सोच के देखो ये सवाल कंसेप्चुअली गलत नहीं है और गलत है इसीलिए तुमको लाइक like का बटन दबाना पड़ेगा हालांकि आईसी बैंगलोर ने फ्रेम किया बट ये सवाल कंसेप्चुअली क्यों गलत है अगर सोचोगे तो तुमको लगेगा आइडिया कि सर यहाँ पर इसको बोल रहा है ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन स्क्वायर के, के केस में ISE ने सवाल फ्रेम किया दो हजार आठ वाट में किया था नॉन के स्क्वायर सोचो बड़ा कांड क्या कर सकता है सोच के देखो इससे बड़ा कांड पॉसिबल नहीं है ठीक है अब चलो कोई बात नहीं हमको सॉल्व करने से मतलब ए प्लस की जगह डालेंगे इनवर्स तो ये तो ट्रू है तो ट्रू को मैं ग्रीन से मार दूंगा और जो आंसर है मतलब कि जो फाल्स है, जो फॉल्स है उसको हम रेड कलर से मार देंगे ठीक है ना तो ये ट्रू है है कि इनवर्स इनटू ए किया या तो आई आ गया ए तो बराबर है सही बात है ए प्लस ए ए ए प्लस आई आई का स्क्वायर प्लस की वैल्यू इनवर्स ए इनवर्स ए आई सही बात है इनवर्स यहां डालेंगे ए इनटू ए आई तो ए बराबर ए इनवर्स गलत बात है आंसर हमारे पास क्या एक्चुअली जो आंसर मेरे पास आ गया वो ऑप्शन डी आया ये एम होता अगर बोलता कौन सी वैल्यू ट्रू है तो ए बी सी आंसर हो जाता एम टी ए क्यों होगा एम टी ए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कायदे से सवाल तो बना है ना पर अगर कोई भाई हमको ये सेटिस्फाई कराना था ना देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अब यहां पर ये तो नहीं बोला है कि नॉन स्क्वायर स्क्वायर उसकी बात ही नहीं कर रहा समझे कायदे से अगर देखेंगे तो कंसेप्चुअली अगर कोई बच्चा क्लेम कर देता 2008 वगैरह में तब सोचा जाता बट कायदे से इसको एम टी ए में नहीं रखेगा आई टी वाला बोलेगा ठीक है भूल चूक ले देनी भाई अब नॉन स्क्वायर का इन्वर्स निकलवा दिया हमारी मर्जी है, है कि नहीं उनकी मर्जी है भैया ठीक बात है नेक्स्ट जो सवाल है इस सवाल को देखिएगा बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है इस सवाल की गहराई और नजाकत को समझते हुए सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ये भी मैंने आज स्पेशल में डील किया ही है बट मैं चाहता था कि यहां पर भी तुमको दिखा दूं क्योंकि कुछ बच्चों को दिखा नहीं होगा स्पेशल और स्पेशल का प्रमोशन भी कर दिया थोड़ा सा मैं कि कम्युनिटी में जाकर के लिंक डाल देना है लिंक पे क्लिक कर लेना है क्लिक करोगे तो हम आपको दिख जाएंगे और हम आपके हैं कौन गुरु ठीक है और अभी लाइक like का बटन दबाया नहीं हो तो लाइक like का बटन पर एक बार क्लिक कर लो और ये देखो मैंने कर दिया ठीक है चलो नाइन्टी को मैंने नाइन्टी को मैंने नाइन्टी कर दिया खुद ही नहीं किया था 94 कर दिया अब आप लोग करेंगे तो यहाँ से देखो अगर मेरे पास कभी भी ये जो दिया है इसको आप बोलते हो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बच्चे ध्यान से समझना कभी भी तुम्हारे पास जब भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात हो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग जब भी मैट्रिक्स पॉलिनॉमल की बात हो गुरु की बात ध्यान समझिएगा आप ऑलवेज अप्लाई कर दोगे रिवर्स कैले हेमिल्टन थ्योरम सीधा सीधा ज्यादा इसमें ज्ञान की बात नहीं है रिवर्स केले थ्योरम होता क्या गुरु जी तो इसको पकड़ो मार दो लेमडा तो लेमडा का पावर तीन माइनस लेमडा बराबर जीरो लेमडा कॉमन लेमडा स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो लेमडा का वैल्यू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन और ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी डेली चमक के आंसर दिख रहा है हम लोगों को बहुत ही प्यार से अब मैं यहां पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से क्या आप मेरी अनुमति है क्या आप लोग की अनुमति है मतलब मेरी अनुमति है मतलब आप लोग की अनुमति है चलिए लाइक like का बटन दबा करके आपने वन जीरो वन कर दिया वन जीरो वन और इस क्वेश्चन के पिता को नमन बहुत सिंपल सवाल था मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं कि यहां पर सम ऑफ प्रिंसिपल को फैक्टर क्या है जो जो स्पेशल क्लास अटेंड करे वो आंसर मत देना बेटा जो स्पेशल क्लास अटेंड करे वो आंसर मत देना अगर मैं बोलू प्रिंसिपल फैक्टर तो सम ऑफ समिपल को फैक्टर क्लास अटेंड करे हो वो आंसर नहीं दोगे बता रहा हूं मैं जाके चेक करूंगा जो जो आंसर आंसर देगा स्पेशल क्लास अटेंड करे वो नहीं देगा ठीक है ना चलिए अगर मैं पूछू सम ऑफ यहां पर क्या मैंने पूछा प्रिंसिपल को फैक्टर इसमें इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स पी में सम ऑफ प्रिंसिपल को फैक्टर क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे क्यों क्योंकि आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज नहीं पता जो भी मैं बताने वाला हूं अब जितने लोग स्पेशल क्लास अटेंड करे हो सब लोग आंसर ठोकना चालू करो जितने लोग स्पेशल क्लास अटेंड करे हो सब लोग आंसर डालना चालू करो सर ये आंसर है सर ये आंसर है करके डालो यस आकाश बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखना कैसे ध्यान से देखना जी कैसे इसीलिए मैं बोला था स्पेशल क्लास पे रहिए आप क्योंकि मैं हर स्पेशल क्लास के कुछ क्वेश्चन को यूट्यूब पे थोड़ी कराऊंगा हर बार नहीं कराऊंगा आज कराया मैं तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं स्पेशल क्लास का <laughs> मुद्दे की बात यह है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम वहां पर सारे के सारे पहुंचो यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे पर हमारी ठीक है सम ऑफ प्रिंसिपल को फैक्टर की बात करेंगे तो ये बेटा ध्यान से देखना पी का पावर तीन इंटू पी तो हम लोग माइनस पी तो हमारे पास आयाडा का पावर तीन माइनस लेमडा बराबर जीरो अब बताऊं एक्चुअली जो होता है थ्री क्रॉस थ्री में वो क्या होता है वो होता है लेमडा का पावर थ्री माइनस ट्रेस लेमडा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल को फैक्टर लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट बराबर जीरो मेरे प्यारे भाई अब इसको ध्यान से कंपेयर मारेंगे तो तुमको पता चलेगा सर ये जो है ना लेमडा का वाला आइटम ये सर ये इसके बराबर है समझे कि नहीं और यहां पर कौन खड़ा है वन खड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये प्रिंसिपल को फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन एकदम क्लियर है कि नहीं है हाँ या ना बोलो भाई एकदम क्लियर है सभी लोगों को सुंदर तरीके से अद्भुत तरीके से क्लियर है सारे बच्चे मैं जानता हूं आप कहीं ना कहीं मेरे से बहुत इमोशनली अटैच्ड और इमोशनली जुड़े हुए हो इसलिए आप लोगों को लगता है कि गुरुजी जो क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं ना वो भी हम करेंगे एक बार और है ना चलो ये देखो अब इसको बहुत फास्ट वे में हम सॉल्व कर लेते हैं छूते ही खत्म करते हैं मैच द कॉलम है और आपके पास है तीस सेकेंड तीस सेकेंड में आंसर कमेंट करना चालू कर दो चलो मैं भी करता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स है साइडर्मिनेंट जीरो होता है सर ठीक है तो पी का आ गया थ्री जैसे पी का थ्री आया मतलब ये आंसर नहीं हो सकता ठीक है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं हो सकता सर तो क्यू का आ गया वन क्यू का आ गया वन मतलब ऑप्शन आ गया बात खत्म हो गई ठीक है कुछ दिन करवा देंगे यार स्पेशल का भी क्वेश्चन पर हर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा स्पेशल में तुमको आना रहेगा भाई ठीक है तो आंसर ये आ गया चलो रियल सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स का का क्या होता है रियल आइगन वैल्यू रियल होता है ऑर्थोगोनल में क्या होता है तो डिटर्मिन की वैल्यू वन होती है तीस सेकेंड का सवाल था वन मार्क क्वेश्चन आंसर हमारा आ गया कहानी खत्म चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है इस सवाल में पूछा क्या है देखिए और इस सवाल में जो पूछा है और जब मैं क्वेश्चन करूंगा दोबारा तो स्पेशल क्लास का बच्चा इसका आंसर नहीं देगा जब मैं इसमें दोबारा क्वेश्चन करूंगा फिलहाल जो क्वेश्चन क्वेश्चन है है उसको करते हैं में हमको बोल रहा टू हमारे पास कॉलम को इंटरचेंज कर दिया टू कॉलम को इंटरचेंज कर दिया ध्यान से देखिए टू कॉलम को इसने इंटरचेंज किया भैया सी वन को सी टू से बदला होगा या सी टू को सी थ्री से या सी वन को सी थ्री से बदला है पर याद रखिएगा जब भी इंटरचेंज होता है तो डिटर्मिनेंट में साइन चेंज हो जाता है मान लीजिए आपने एन इंटरचेंज किया कितना चेंज किया एन इंटरचेंज किया ठीक है तो ये हो जाता है माइनस वन का पावर एन और डिटर्मिनेंट एज इट इज इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता दोस्त इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता क्या बदलता है सिर्फ साइन बदलता है ठीक है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है सेम रहती है बट साइन बदल जाता है तो ऑप्शन ए इज एप्सल्यूटली करेक्ट वो बहुत बदलता है? नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू बदलती है नहीं कोई नहीं बदलता नहीं ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर वैल्यू सेम रहती मान लो ये वैल्यू पांच है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पांच समझ में आया गेम समझे कि नहीं समझे जी अब मेरे पास आते हैं कि मैं ये क्वेश्चन कर क्या रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इसका डिटर्मिनेंट चाहिए जिंदा आई वॉन्ट द डिटर्मिनेट ऑफ दिस मैट्रिक्स कोई भी कमेंट नहीं करेगा जो भी स्पेशल क्लास में पढ़ा है एक मिनट वेट करते हैं सिक्सटी सेकेंड का सवाल है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है डू इट फास्ट कम ऑन कम ऑन डू इट फास्ट और अगर कोई सेशन देख रहा हो भैया पानी वानी ला दीजिए जी नहीं तो बाहर निकल के हमको ही देखना पड़ेगा बाहर निकल के हमको देखना पड़ेगा पानी का क्या जुगाड़ है चलिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से इसको डिटर्मिनेंट निकालने बोला हूँ चलो अब जितने भी स्पेशल क्लास में अटेंड किए थे वो सारे लोग आंसर ठोको स्पेशल क्लास में आप लोग पढ़े थे अगर स्पेशल क्लास में आप पढ़े हो तो आंसर बोल दो तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमारे पास कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आया है स्पेशली कंप्यूटर साइंस में हेलो स्पेशली कंप्यूटर साइंस में ये देखो पूछ लिया डिटर्मिनेंट डायरेक्टली कि बताओ भैया डिटर्मिनेंट क्या है है ना तो हमको ना कैलकुलेशन करते आना चाहिए अरे प्रखर भारद्वाज इसका आंसर ये वो नहीं पूछ रहा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ वॉट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन तो तुमको ना एकदम कैलकुलेशन भी आना चाहिए बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो एफर्ट मार रहे हो है ना स्क्रिबल पैड गंदा कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी मगर मोटी बातें चलिए स्पेशल क्लास में जो भी अटेंड किए थे सर आंसर तो भूल गए थे बोल रहे हो है ना सर हम तो आंसर भूल गए तो जो बच्चे नए आए हो लाइक का बटन दबा दो आंसर भूल गए तो कोई बात नहीं तो इसका जो कमेंट है इसका जो आंसर है ये आप लोग को चैट बॉक्स पे नहीं कमेंट बॉक्स पे देना रहेगा कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया था आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर दे पाएंगे बिना सॉल्व के आंसर नहीं दे पाओगे 233 एब्सोल्युटली करेक्ट है बहुत बढ़िया चलिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं यहां पर बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट नहीं है और मैं यहां पर इसके बाद दो स्टेटमेंट और रखूंगा जिसको आपको ट्रू और फॉल्स कमेंट करना रहेगा अभी यहां पर स्क्रीन पर हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पी एस यू इन पी डब्ल्यू डी कैटेगरी रमेश यादव इसके लिए अलग से सेशन लूंगा मेरे प्यारे दोस्त अभी मैं आंसर अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं अभी तेरा ये वाला आंसर नहीं दे पाऊंगा चलो यहां पर ध्यान से देखते हैं जो ट्रू नहीं है तो जो ट्रू नहीं है वो हमारा आंसर है तो जो ट्रू है उसको ग्रीन कर देते हैं तो आंसर रेड हो जाएगा फिर ठीक है ना तो चलो जो ट्रू नहीं है ये ट्रू है हाँ सर ये ट्रू है ये ट्रू है ये के बाहर निकल जाता है के का पॉरन आता है सही है ये ट्रू है ये नहीं सर ये तो गलत बात है सर कभी भी डिटर्मिनेंट प्लस वाला अलग अलग प्लस के बराबर नहीं होता क्या ये ट्रू है तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है और ये बोल रहा है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स तो ये ए का इनवर्स पल्टी मार्क के ऊपर चले गया और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया मतलब ये भी ट्रू है इसका मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी चेन्नई एब्सिल्यूटली करेक्ट आंसर यस एब्सोल्युटली सही है अब मुझे बताइए कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है टी या एफ में कमेंट कर देना सीधे सीधे टी एफ में कमेंट कर देना अगर डिटर्मिनेंट में निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं कि यह क्यूमिटेट करता है द डिटर्मिनेंट द मल्टीप्लीकेशन विल क्यूमिटेट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कमेंट करो डू इट फास्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स मैं क्या बोला द डिटर्मिनेंट इज The, the matrix multiplication will द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशनिट in the determinant form. This statement is true or false. और जितने लोग भी आए हो देखो आशुतोष बोल रहे हैं सर false है विवेक बोल रहा है सर फॉल्स है क्यूमिटेशन नहीं होता सर अमरजीत बोल रहा है ट्रू है अंजलि बोल है ट्रू है दर्शन बोल रहा है फॉल्स है मयंक बोल रहा है फॉल्स है ठीक है विनायक बोल रहा है ट्रू है डेविड लाला बोल रहा है फॉल्स है तो देखो कितने सारे लोग ट्रू भी बोल रहे हैं फॉल्स भी बोल रहे हैं तो अगर मैं पोलिंग करा दूंगा ना तो मान लेंगे कि पचास पचास प्रतिशत आ जाएगा बॉस ठीक है पर जो मेरे से स्पेशल क्लास में पढ़े हो बिल्कुल सही बोलोगे याद रखेगा तुमको लगेगा सर ये तो कैसी बातें कर रहे हो ये तो हम पढ़े ही नहीं थे ऐसा सर कैसे ऐसा हो सकता है सर अभी ध्यान से देखो यार अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं मेरे भाई समझना है इस चीज को क्या बात कर रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट की सुन लो डिटर्मिनेंट ना क्यूमिटेट करता है मल्टीप्लीकेशन सर कैसी बातें कर रहे हो अरे सच है दोस्त ये ट्रू है ये ट्रू है ओ माय गॉड क्या बात चल रही है ये ट्रू है कितने लोग का यहां पर भ्रम टूट गया श्याम है डेविड है विवेक है दर्शन है मयंक है सबका भ्रम टूट गया ये डिटर्मिनेंट में क्यूमिटेट करता है दोस्त ए बी बी ए के बराबर होता है कहां डिटर्मिनेंट में रिपीट कर रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट में बट अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर दूं अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर दूं तो ये वाला बराबर नहीं होता है दोस्त इट विल नॉट कमिटेट इन द फॉर्म ऑफ द डिटरमिनेंट नो इट इट विल नॉट कमिटेट इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बट यस इट कैन कमिटेट इन द फॉर्म ऑफ द डिटरमिनेंट भले ही ए बी और बी ए बराबर ना हो आपस में मतलब क्या बोल रहा हूं मैं भले ही ए बी और बी ए बराबर ना हो किस फॉर्म में सर मैट्रिक्स के फॉर्म में परंतु डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए सत्यवचन महाराज ये नोट कर लो ध्यान से समझ लीजिए ना इसको मजा आया तो लाइक का बटन दबा देना हाँ सर मजा आया तो लाइक का बटन दबा देना सर छोड़े जाओ ना, मंदिर में घंटी में टन लाइक का बटन खत्म करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अरे वाह 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 वा। इससे आसान क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और ये तुम्हारा होमवर्क है ठीक होम है ये तुम्हारा होमवर्क है कहा कमेंट करोगे दोस्त खन्ना कहा कमेंट करते हैं हम लोग जहाँ कमेंट होना है यहाँ तो चैट हो रही है यहाँ तो चैटे चल रही है चैटे और तुम्हें कमेंट करना है याद रखना ये क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं कर रहा अभी कोई भी आंसर नहीं देगा यहाँ पर जिसको भी मन कर रहा है हार्ट बना दो आकाश शर्मा फुल ऑन माहौल में आ चुके मेरे भाई अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे ये सवाल बड़ा ही प्यारा अद्भुत क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का लगेगा यहां पर कैसे लगाएंगे सर वो देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा का लगेगा सर यहाँ पे है बताओ भला इतनी जोर से ऐसे मैंने मारा जोश में आके हाथ ही दर्द कर गया भाई लाल हो गया बताइए भला बोल रहे हैं पर मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू ठीक है दो आइगन वैल्यू दी हुई है ये मिनिमम है

टू क्या है छो है लेमडा थ्री क्या है लेम्डा है और टोटल ट्रेस कितना है पांच छह सात आंसर क्या आ गया जी इनको करिए दो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया क्योंकि चार उधर चले गया तीन सात में चार गया तीन ऑप्शन बी बॉम्बे इज बॉम्बेल्यूटली करेक्ट क्या बोलती है जनता नहीं सर मैक्सिमम इनमा नहीं आएगा सही बोले बच्चे तो यहां पर देखो यार यहां पर कुछ मैक्सिमम इनिमा जैसा था नहीं ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था अगर मैं पूछूं उसका डिटरमिनेंट क्या इतना है तो क्या कहोगे अगर मैं पूछू इसका डिटर्मिनेंट कितना है मेरा क्वेश्चन तीन क्वेश्चन सुनना पहला क्वेश्चन इसका रैंक क्या है कमेंट करो जल्दी जल्दी फास्ट इसका रैंक कितना है कमेंट करो रैंक कितना है सर यहां पर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है हाथों तो तो सर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है हाथो तो तो सर इसका रैंक तीनों होगा गुड वेरी गुड सुपर सर इसका डिटरमिनेंट सर इसका डिटरमिनेंट तो सर जीरो नहीं है ना तो कितना है सर इसका डिटरमिनेंट सर माइनस दो गुणा छह गुणा तीन मानेगी सर छह तीन आठ अठारह दूनी माइनस में छत्तीस क्या बोलती जनता सत्यवचन महाराज हाँ या ना अरे बोलो यार हाँ या ना वो भी माइनस में छत्तीस सही बात है सर अगला सवाल इसके एडजोइंट का डिटर्मिनेंट कितना है सर इसके एडजोइंट का डिटर्मिनेंट सर ज्यादा टफ पूछ दिया आपने बहुत टफ है सर बताओ इसके एडजोइंट का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना एन माइनस कितना तीन स्क्वायर माइनस छत्तीस का पावर दो बारह डू इट फास्ट सही है गलत है चेक करो और प्लस बारह सो छियानबे हो गई माइनस बारह सो छियानबे होगा क्या छत्तीस गुणा छत्तीस बारह सौ छियानबे होता है बच्चे हाँ या ना पता होना चाहिए कुछ कुछ स्क्वायर पता होना चाहिए हम्म सब कुछ सही है सर चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर बटन दबाएं आगे बढ़ें क्या चाहते हो प्रोबेबिलिटी का सवाल करें हाँ सर नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे।, करेंगे क्या करेंगे सर नहीं करेंगे अभी करेंगे नहीं अभी नहीं करें नहीं करेंगे चलो पहले वाला सवाल करते हैं डू इट फास्ट वेरी फास्ट कम ऑन फॉर वैल्यू ऑफ जो भी स्पेशल क्लास अटेंड किया है इसका कमेंट आंसर नहीं करना बहुत जोर से पढ़ाएगी बेटा ठीक है यही कमेंट में ऐसे ढिशुम करके लिखूं जोर से लगी जाएगी बता रहा हूं इसको देखो वॉट वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा फॉलोइंग द इक्वेशन बोल रहा है याद रखना परम्पर विद्यार्थियों जब भी हमको इन्फानाइट इस, नंबर इसको एकदम थमरूल बना लो अंगूठा लगा के जब भी हम लोगों को infinite... चेस का भी होता है इसीलिए तो बारह सो छियानबे हमको याद है ठीक है छत्तीस देखा बारह सो छियानबे कर दिया वहीं पे ऑन द स्पॉट पढ़े थे याद है तरुण तरुण एक्टिवेटेड है बेटा गुड चलो इसको देखो तो हमको सॉल्यूशन के केस में याद रखना दोस्त आरथ्री को जीरो करना है लास्ट वाली रो को जीरो करना है अगर अल्फा, बीटा, म्यू, लैम्डा टाइप का जो भी दिया है उसके अगल बगल को जीरो करना है नाउ टास्क अपियर करते हैं इसको चलिए कहां से पढ़े हो भाई पढ़े थे लिखे हो पढ़े हैं कहां से पढ़े हो भाई कौन पढ़ाया तुमको कौन है गुरु जी चलिए ध्यान से देखते हैं तो ये और ये ठीक है एक एक पांच एक 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 पांच ठीक बात है सर एक तीन तीन नौ एक तीन तीन नौ लास्ट क्या एक दो अल्फा बीटा एक दो अल्फा और बीटा यहां पर रिलेशनशिप है अगर तो रैंक दो होगा और रिलेशनशिप क्या है अगर मैं पहचान गया तो मेरे लिए आसान होगा बहुत ही सवाल आप ध्यान समझिएगा इस चीज को कि आपको कैसे भी करके यहां पर रिलेशनशिप पहचाननी है जिसको भी रिलेशनशिप समझ में आ चुकी है वो रिलेशनशिप अगर समझ में आपको आ गई है दोस्त तो रिलेशनशिप का आपको कमेंट करना चाहिए सिंपल सर कैसे है ध्यान से देखो इन दोनों को जोड़ो ये दो गुना है हाँ सर इन दोनों को जोड़ो ये दो गुना है हाँ सर तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये दो गुना होगा सिंपल ध्यान से देखो कैसे भाई मेरे मैं बोल रहा हूं आर वन प्लस आर टू बराबर है टू आर थ्री बीटा कहा सच है दो गुना है करेक्ट है सर एकदम सुंदर अब अल्फा को पकड़ते हैं इसको इसको जोड़ो कितना आया तो आ गया टू अल्फा बराबर अलग कलर से करते हैं आसान पड़ेगा इधर लेके आते हैं अप्लाई करते हैं ब्लू नहीं ग्रीन बराबर में कितना टू अल्फा अल्फा की वैल्यू टू हो जो टू 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 अल्फा की वैल्यू टू रिस्पेक्टिवली बोला है क्या नहीं बोला वैसे अल्फा बीटा बोला है अल्फा बीटा बीटा बोला तो होगी और seven. देखते beta की वैल्यू आती है या नहीं वहां से पकड़ो बीटा तो आ गया मेरे पास कितना पांच धन नौ बराबर टू बीटा तो चौदह बटे दो तो बीटा का वैल्यू कितना सत्ता एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन ए इज आगरा वेरी ट्रू वेरी ट्रू खूब एक एक भालो एकदम एकदम भालो सत्यवचन महाराज चलिए भैया अगला प्रश्न करते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं मजा करेंगे उसमें ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन विच द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी देखो ट्रू फॉल्स वाला बोल रहा है और मुझे ऐसा फीलिंग है आई कानपुर इस बार एमएसक्यू पकड़ाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में एमएसक्यू पकड़ा सकता है यस yes, आचल रैंक टू होगा बिल्कुल सही बात है बेटा एब्सल्यूटली करेक्ट सर नलिटी और आइगन वैल्यूज के रिलेशनशिप है आपने बताया था लेकिन भूल गया कोई बात नहीं फिर से बता देंगे ओ कोई बात नहीं घर की बात है यार फिर से कर लेंगे फिर से बता देंगे डोंट वरी फॉर एनी थिंग मैं हूं ना इस क्वेश्चन को देखते हैं सवाल आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है बोल रहा P Q है पी और क्यू दो रैंडम इवेंट्स है देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ध्यान समझेगा इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे पहला इंडिपेंडेंट प्रॉबिलिटी जो है वो बोल रहा है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू जीरो मेरे ये किसके लिए, लिए, किस लिए, mutual, लिए होता है ये इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होता किसके लिए होता है ये म्यूचुअल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है या ना यस सर तो इंडिपेंडेंट के लिए कभी भी इस टाइप का कांड नहीं कर देना बेटा तो इंडिपेंडेंट के लिए तो गलत बात है ये तो क्रॉस कर दिया ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है ऑलवेज रिमेंबर यह ऑप्शन मेरे काम का नहीं है ठीक बात है सर सेकेंड बोल रहा है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी पी या फिर क्यू से मेरे भाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती सर क्यों ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि देखो अगर ये हमारे पास है तो यही तो इंटरसेक्शन होगा तो जैसे जैसे अगर ये इंटर ध्यान से देखते हैं ना ये इंटरसेक्शन है ठीक है ये इंटरसेक्शन है ये मान लेता हूँ ये पी है और ये क्यू है मान लेता जैसे जैसे ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो ज्यादा से ज्यादा पी के बराबर होगा अरे हाँ भाई ज्यादा ज्यादा पी के तभी तो उसको इंटरसेक्शन बोलोगे तो इंटरसेक्शन कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता ऑब्वियसली सिंपल था थर्ड पॉइंट देखते हैं अगर P और Q म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बेटा एक्सक्लूसिव के लिए सेम सैंपल स्पेस होना चाहिए दिमाग में रखो एक्सक्लूसिव के लिए सेम सैंपल स्पेस और इंडिपेंडेंट के लिए अलग अलग सैंपल स्पेस मेरे भाई तो ये ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता इसका मतलब जो आखिरी में है वही आंसर है उसी को ग्रीन कर देते हैं सही बात है ऑप्शन डी डेली बट ऑप्शन डी डेली क्यों सही है इसका इतिहास हमको जानना पड़ेगा कि ऑप्शन डी डेली सच क्यों है गुरु जी ठीक है देखते हैं ध्यान से अच्छा इसको मैं और एक तरीके से सोच सकते हो कि क्योंकि इंटरसेक्शन कम क्यों है है ना इंटरसेक्शन आखिर कम क्यों है तो देखो अगर मैं बोलू कि यार यूनियन की बात करते हैं ना चलो देखो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ए यूनियन बी तो ये होता है सर पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये भी क्यों माइनस किया था क्योंकि दो बार इंटरसेक्शन रिपीट होता है तो एक इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं पी ए में इंटरसेक्शन ए बी वाला है बी में भी है तो दो बार इंटरसेक्शन आ गया तो ऐसा थोड़ी हो दो दो बार बोला लेंगे, तो एक को माइनस कर दिया अब ध्यान से देखना कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी सर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी निगेटिव प्रॉबिलिटी हो ही नहीं सकती पॉसिबल इच्छ नहीं है चलो अब उसको उधर धक्का दो क्या आ जाएगा यह गया सर सिंगल वाले की प्रोबेबिलिटी सिंगल वाले की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से तो ये वाला स्टेटमेंट बता रहा है कि ये गलत है अब लास्ट वाला स्टेटमेंट क्यों सही है दोस्त उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सर यू आर सच अमेजिंग मेंटर थैंक यू सच अटमेंट थैंक यू थैंक यू फहाद महमूद थैंक यू दोस्त ऐसा कमेंट देख के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ इसलिए तुम लाइक का बटन दबाए होगे ना किया है तूने चल भाई अच्छी बात है अब यहां पर देखते हैं इसको तो मिटा देते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज थी जो हमने किया है टाइम पास अगर यार अगर, अगर अपन ऐसे ना बोलते हैं कि क्या बोले अपन मालूम है कि यार सिंगल वाली प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहां दिखेगी पता है कहां दिखेगी ये दिखेगी बॉस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और कंडीशनल में कितनी बार तुमको पढ़ा चुका हूं कि भाई मेरे पी ए बाई बी क्या होगा ये होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहां से देखना डिवाइड बाई नीचे वाला जो मेरे पास है उसकी क्योंकि वही उसके लिए सैंपल स्पेस बनाया है क्योंकि वही उसके लिए क्या बनाया ये हमेशा होगी। हाँ ना? इसको उधर धक्का तो हमेशा ये इंटरसेक्शन वाला जो होगा वो सिंगल प्रोबेबिलिटी से ऑलवेज छोटा होगा इंटरसेक्शन वाला जो है वो ऑलवेज छोटा होगा ही होगा क्यों दिख तो रहा है यार अब और इसमें क्यों क्या पूछोगे भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन वन से बड़ी नहीं हो सकती तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पीबी हा सिंपल yes, था ये उमेश चंद्रा थैंक यू मेरे भाई बट ऐसा नहीं है है ना बड़ा कि बहुत लंबी है ये जमीन मिलेंगे लाख हंसी इस दुनिया में सनम एक तू ही तो अकेला नहीं है ना तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जैसा कोई नहीं है यार बहुत लंबी है ये जमी मिलेंगे लाख हंसी इस दुनिया में सनम तुम जैसा कोई दूसरा नहीं ये स्टेटमेंट गलत है बहुत सारे मिलेंगे ठीक है ठीक बोल चिन चलो खूब भालो अगला प्रश्न लेते हैं ओ माय गो आला रे आला कानपुर आला तो देखो हालांकि दो तीन क्वेश्चन और मैंने लिए थे आईआईटी कानपुर के बट मैंने इसमें ना नाम फसाया है इसका कि कानपुर का सवाल है सॉल्व करना करके क्यों फसाया पता है क्योंकि दोस्त ये सवाल नहीं ये होमवर्क है पर फिर भी मैं इसमें हिंट दे देता हूं सर कैसे सॉल्व करेंगे क्या बात है यार आकाश थैंक यू सो मच दोस्त काफी अच्छा लगा मजा आ गया सर दर्शन कुमार चलो मतलब तुमको पता चल गया क्लास खत्म होगी है ना बधाई हो जी क्लास खत्म होगी जी मजा आ गया वाह 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 हार्ट वार्ड बनाओ जय हिंद लिखो बाय सर हाँ है, है डेढ़ घंटे से बोल रहे हैं अब तो सो छोड़ ही देंगे सर है चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लेते हैं ठीक है ये क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल वालों को पूछा था कानपुर ने हम इसको यहीं निपटाते हैं रायपुर में अच्छा मैं भिलाई में वैसे आज द प्रॉबर्टी ऑफ थर्मिस्टर रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट आई थिंक ये मैकेनिकल में आया था नॉट क्योंकि ये थर्मिस्टर वाला क्वेश्चन ना Mechani अच्छा इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन आया था ना वो ट्रांजिस्टर लिखा था समझे बल्ब बल्ब लिखा रहता है है थर्मिस्टर लिखा मतलब मैकेनिकल क्वेश्चन ठीक है सर इसकी वैल्यू जीरो पी की वैल्यू है, है? जीरो ब्रांच में ना हम लोग को लगता है कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्शन यूनिट थर्मिस्टर अब सी वालों को देगा तो क्या बोल देगा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझ रहे हो कंप्यूटर असेंबलिंग ठीक है इलेक्ट्रिकल बोला बल्ब खराब है है ना

थ्री आर डिफेक्टिव देखो आर की वैल्यू दिया हुआ है देखो एन की वैल्यू दिया हुआ है देखो पी की वैल्यू दिया हुआ है देखो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है क्या होता है अरे रे 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 भैया क्या होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था लाल करते हैं पी आर इज इक्वल टू एन में से आर पी का पावर आर क्यू का पावर दोस्त एन माइनस आर बोलो सत्य वचन महाराज यही लगेगा हाकिना ऑप्शन दिया हुआ है हाकिना यही लगेगा हाँ ना कमेंट करो आंसर लाओ 100 वॉचिंग कर दो खत्म करो 98 एट पे ऑल आउट हो जाएगा और जो लाइक like का बटन है एक सौ चालीस को एक सौ पचास कर देना सेशन खत्म होने के पहले ठीक है अब सर इसको कैसे कर देंगे सर एन एन कितना है सर दस सी आर कितना थ्री एन टू पी का पावर कितना सर जीरो पावर वर्चुअल कैलकुलेटर निकालो चलो का पावर कितना तीन ये कितना जीरो पॉइंट नाइन का पावर कितना सात ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहीं पर कलर चेंज कलर चेंज आंसर मेरे बरा सर सर तो चलो भाई ऑप्शन बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर तो मेरे परमपर विद्यार्थियों आई होप आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा उम्दा और जबरदस्त लगा होगा नाइन्टी नाइन पे खेल रहे हैं यार हम लोग हंड्रेड नहीं कर पा रहे पता है नाइन्टी नाइन पे खेल रहे हैं हम लोग नाइन्टी नाइन पे खेल रहे हैं हम लोग है ना हंड्रेड हो गया चलो बधाई हो यार कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त तो हंड्रेड हो गया आप सबकी जिम्मेदारी बनती है जो अभी भी आए हो जो पहले भी आए हो हार्ट्स जरूर बनाना मज़ा आ जाएगा मैं पहले स्टार्ट करता हूँ देखो गुरूपाल चावला के नाम से मैं जो है आ गया हंड्रेड प्लस में हार्ट्स बनाने के लिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है चलिए दोस्त और लाइक का बटन वैसे भी डेढ़ सौ तक करी दोगे तुमको पता है मेरे को ठीक है प्रॉबर्टी के क्वेश्चन में मज़ा आ गया सर थैंक यू सो मच आंसर यही आ रहा है ठीक है अब देखते हैं लास्ट स्लाइड क्या है So, मेरे परम्परित विद्यार्थियों आप ध्यान रखेगा इस चीज का कि यदि आपको जब कभी भी ऐसा लगे इंग्लिश कितने नंबर के आती है भाई दो दो नंबर तीन नंबर ठीक है खुश रहे दो नंबर तीन नंबर ठीक है तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको अन अकेडमी में जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना है अरे भैया इसको भी लॉक करना चाहिए हाँ तो आप क्या करेंगे सर आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आपको आप करना कुछ नहीं लेटी और आइगन वैल्यू का प्लीज बता दीजिए चिंता मत करो सब हो जाएगा डोंट वरी फॉर एनीथिंग हो जाएगा अभी सुन लो प्रोबेबिलिटी वाले में मजा आ गया सर दर्शन थैंक यू खूब इफेक्टिव एक्टिव छिलो ठीक है भाई अभी तो ये चाहे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो अन अकेडमी में जाकर के देखो ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोड इट इज नॉट अबाउट द कोड कि तुमको डिस्काउंट मिल गया ना जैसे कि अभी बच्चे ने हैंडबुक लिखा ये अगर तुम्हारा लगा हुआ है अगर तुम गेट 2024 और 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी तेईस के भाई प्लीज तेईस के लिए तो मैं बोलूंगा कि यार तुम लोग टेस्ट दो रिवीजन करो मेरे साथ अटेंड करो यूट्यूब थोड़ा देर खुश रहो पढ़ाई लिखाई करो रिवीजन करो टेस्ट दो रिवीजन करो टेस्ट दो रिवीजन करो टेस्ट दो मोटिवेटेड रहो मोटिवेटेड रहो अच्छा खाओ पेट साफ रखो दिमाग साफ रखो मस्त रहो ठीक बट अगर गेट दो और पच्चीस की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई अच्छा तो ये कोड क्या करवाएगा मैक्सिमम बेनिफिट डिस्काउंट वो सब चलो ठीक है बट मुद्दा अलग है दोस्त मुद्दा अलग है और मुद्दा डीप है वो क्या सबसे पहली बात करूं मैं हमारे द्वारा एजुकेटर्स के द्वारा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाए गए हम लोग पिछले 2004 से गेट एकेडमी है धांडे सर 2004 से पढ़ा रहे हैं मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं पूरे टीमेट्स में हर एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी कम से कम मिनिमम यहां पर छह साल और मैक्सिमम यहां पर अट्ठारह से बीस साल के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी पढ़ा रहे तो उनके द्वारा क्रिएट की गए गे गे गेट के लिए क्वेश्चन दूसरा उनके द्वारा बनाई गई डीपीपी के सॉल्व करने का तरीका अप्रोच डाउट क्लियरिंग कॉल पे क्लियरिंग मैसेजेस में क्लियरिंग टेलीग्राम का अलग से ग्रुप व्हाट्सएप की अलग से ग्रुप मतलब ये कि आपको ना साथ साथ रखेंगे आप अकेला फील नहीं हो सकते जब तक आपका गेट का एग्जाम हो नहीं जाता उसके बाद आता है पोस्ट गेट गाइडेंस सर मेरा 1425 रैंक आया मैं क्या करूं सर मेरा 425 रैंक आया मैं क्या करूं सर मेरा 42 रैंक आया मैं क्या करूं सर मेरा 2 रैंक आया तो चिल कर भाई तो समझना इस चीज को कि सारी चीजों में ये आपकी मदद करेगा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं स्पेशल क्लास में आते हैं तो भी ये कोड लगाना है टेस्ट सीरीज लेते हैं तो भी ये कोड लगाना है आइकॉनिक या फिर प्लस लेते हैं तो भी ये कोड लगाना है याद रखेगा बोलूंगा नहीं दोबारा कोड है हमारा जीए एक हजार एक सौ ग्यारह और जाते जाते आप सभी लोगों को एक बार ईमानदारी से कमेंट करना पड़ेगा दोस्त पूरी ईमानदारी और जज्बाती होके ये सेशन कैसे लगाई मैंने बहुत ही रैंडमली प्लान किया था आज मेरे सेशन लेने का मन नहीं था थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा था बैक पेन हो रहा है मेरे को बट मोटिवेशन मिल गया मजा आ गया लव यू ऑल यार थैंक यू सो मच परम्पर विद्यार्थियों भाई जय हिंद मजा आ गया भाई बहुत जबरदस्त